हाय बच्चों गुड आफ्टरनून वेलकम टू अकेडमी कैसे सब बच्चे यस यस हाय हाय गाइस हाउ आर आर यू सो टुडे वी विद मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पार्ट आज हम क्या करने वाले हैं दूसरा भाग करने वाले हैं इस चैप्टर का चैप्टर नो डाउट थोड़ा बड़ा है बट यार अपने इंटरेस्टिंग तरीके से करेंगे और साथ साथ एनसीआरटी करते जाएंगे एंड देन अपने तीन नंबर तीन क्वेश्चंस जो इस चैप्टर में से आने हैं यानी कि एक तरीके से बारह नंबर का चैप्टर इतना तो हक लेता है यार कि तुम्हारे तीन से चार दिन ले ले है ना क्योंकि बेटा इसमें लर्न करने वाला बहुत है कराने को मैं सारी चीजें यहाँ पर लिख के ले आऊं और इसमें ऐसे होता है इसका एग्जाम्पल ये है इसका एग्जाम्पल ये है वो भी मेथड है बट बेटा उससे ना तुम लर्न नहीं कर पाओगे कहने को तुम्हारा चैप्टर बहुत जल्दी हो जाएगा इसीलिए आई एम टेकिंग इट स्टेप बाय स्टेप आई एम टेकिंग इट पार्ट बाय पार्ट तो यार प्लांट में इतने इंपॉर्टेंट चीजें हैं रूट है स्टेम है लीफ है फ्लावर है तो यार हर पार्ट एक सेशन तो डिजर्व करता है कि नहीं करता तो लास्ट क्लास में हमने इसका रूट वाला हिस्सा किया था और स्टेम वाला हिस्सा किया था आई होप आप सबने उस पार्ट को अच्छे से स्टडी किया है आपने उस पार्ट को रिवाइज किया है बताओ यार फटाफट से रिवाइज किस किसने किया है हाँ जी बेटा बता दो फटाफट से हु हैज एक्चुअली रिवाइज दैट प्लीज टेल मी अगर आप रिवाइज करेंगे बेटा तभी ये वाला चैप्टर तो समझ आएगा अंडरस्टैंड तो चलो हो ही जाएगा सबको इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है पॉइंट आता है लर्न करने का और लर्न करने का एक ही तरीका होता है बारी बारी उस चीज को देखना आपको उस चीज को बारी बारी रीड करना है उसका एनसीईआरटी भी देखना है मैं कोशिश कर रही हूँ कि सारी एनसीईआरटी के पॉइंट्स बेटा साथ साथ ही लेकर चलूं एज यू आर हम लास्ट टाइम भी हमने एनसीईआरटी साथ साथ लेकर चले थे आज भी बेटा एनसीईआरटी साथ साथ लेकर चलेंगे तो कल हमने डिस्कस किया था स्टेम एज वेल एज रूट दैट इज डन आज हमारा गोल क्या होगा आज के हमारे टास्क क्या होंगे आज के हमारे एम्बिशन क्या होंगे तो लिख लें यार गोल्स यस टॉकिंग अबाउट टूडेज गोल्स आज का जो गोल है वो होगा अपना लीफ के बारे में स्टडी करना पत्ती कहा से निकलती है क्या क्या पार्ट्स हैं अरेंजमेंट किस किस तरीके का है मॉडिफिकेशन है या नहीं है ठीक है देन आज हम थोड़ा बहुत आ, अच्छा फ्लावर से पहले इन फ्लोरिसेंस के बारे में बात करेंगे बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आते ही आते हैं इन फ्लोरिसेंस में से एंड देन लिटिल बिट अबाउट फ्लार फ्लार आज पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि काफी बड़ा है तो यार अपने लीफ अच्छे से इन फ्लोरिसेंस पूरा एंड सेवेंटी परसेंट पोर्शन ऑफ फ्लार भी अपन लोग आज डिस्कस कर लेंगे हाँ जी तो मुझे क्या दिख रहा है ने ने ही सिर्फ कल का किया बाकी के जो अपने हैं 12%, उनको नीट नहीं करना है बताओ बेटा बारह नंबर से तुम इमेजिन कर रहे हो तुम्हारा रैंक पांच सौ सौ ऊपर नीचे हो जाएगा पांच सौ सौ नंबर ऊपर नीचे तो यार जिसको 12 नंबर चाहिए वो बच्चा एवरी डे दैट पर्सन विल मेक श्योर दैट यू आर रिवाइजिंग यू आर लर्निंग यू आर अगेन एंड अगेन गोइंग थ्रू योर नोट्स गोइंग थ्रू योर एनसीईआरटी क्योंकि सवाल आएगा यहीं से आएगा और फिर तुम रह चिल्लाते रह जाना मैम पता नहीं क्या हो गया मेरे आगे ब्लैंक हो गया था मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं लर्न करती हूँ लेकिन मेरे को याद नहीं रहता है ये ये तुम्हारे फिर बहाने आने शुरू हो जाते हैं ठीक है एक्सपेक्टेशन तो बड़े बड़ी हाई है है ना मैंने ऐसा देखा कि मैंने ना एक बच्चे ने मुझे कॉल किया कि मैं फिजिक्स की दो चैप्टर तुम करके आना ठीक है आना. और मुझे एक हफ्ते बाद कॉल करना मैंने उसे बोला एक हफ्ते बाद कॉल करना शी कॉल्ड मी द सेकेंड डे क्या आपने बोला था ये चैप्टर करना है लेकिन ये चैप्टर तो मैम मेरे से हुआ नहीं मैंने क्वेश्चन निकाले हुए नहीं बेटा जो काम आपने दो साल में नहीं किया आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक दिन करने के बाद अगले दिन ही तुम्हारा न्यूमेरिकल निकल जाए अगले दिन ही तुम बिल्कुल प्रो हो जाओ फिजिक्स के न्यूमेरिकल में ऐसा नहीं होता है इनफैक्ट ऐसा किसी सब्जेक्ट में नहीं होता है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अच्छा आज पढ़ा कल सारा मॉक टेस्ट मेरे को आना चाहिए कल तो मैं फुल सिलेबस में फर्स्ट आऊंगा ऐसी चीजें बेटा यू नो प्रैक्टिकल रहा करो इम प्रैक्टिकल बातें मत किया करो अब जब इतना एंजॉय कर लिया है दो साल है ना तो अब तीन महीने थोड़ा सा समय देना पड़ता है होती हर चीज है हर चीज होती है आप किसी भी सब्जेक्ट का प्रो बन सकते हो इट्स ऑल अबाउट गिविंग टाइम अब तुम बोलोगे टाइम नहीं है भैया ऐसे ऊपर ऊपर से खाना पूर्ति करनी है तो ठीक है सिलेबस कंप्लीट करने को हो रहा है क्वेश्चन नहीं निकलेंगे तो टाइम तो देना पड़ेगा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा जहां तुम पांच घंटे पढ़ते थे वहां तुम्हें साथ करने पड़ेंगे साथ करते थे तो दस दस करते थे तो पंद्रह तो यार टाइम बढ़ाओगे तभी बात बनेगी नहीं तो यार तुम उम्मीद कर रहे हो दो तीन घंटे पढ़ेंगे अपना हो जाएगा ऐसे काम नहीं होता है ये सीरियस अफेयर है डॉक्टर बनना सीरियस अफेयर है मजाक मजाक में बेटा क्लियर नहीं होते पेपर है ना बच्चों? ये क्या हो रहा है अरे लैग हो गया मैं रुक गई जस्ट अ सेकंड बच्चों जस्ट से अब देखिए नाउ चेक Yes, now now is is it it fine? fine, I believe now it is fine, बेटा. अब ठीक है में पता नहीं क्या इतना फनी तरीके से रुक गई थी मैं मेरे को खुद को देख के इतनी हंसी आ रही थी Yes, all clear? हाँ मैंने ठीक कर दिया बेटा कई बार बड़े बड़े देशों में छोटी छोड़ छोटी बातें होती है वैसे बड़ी बड़ी क्लासों में ये छोटी छोड़ छोटी चीजें होती रहती है है ना Now is it fine? चलो आज के टास्क से शुरू करते हैं पत्ती के बारे में बात करते हैं फूल, फूल भी लेके आऊंगी आपके लिए दिखाने के लिए हिस्सा आज अपन ने डिस्कस करना है तो मैं पूछ रही थी यार बता रही थी कि मजाक वाली बातें नहीं होती नीट के लिए सीरियस अफेयर है सीरियस होकर पढ़ाई करनी पड़ेगी और रेगुलर करनी पड़ेगी एक विदिन छोड़ नहीं सकते हो 17th of February आ चुका है अब इंतजार किसका है अब इंतजार है सात मई का अब कोई फेस्टिवल नहीं आना बस होली आनी है बेटा, उस दिन तो रंग ही लगना और क्या हाँ जी आ जाइए पत्ती पे पत्ती बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है यार पत्ती के बिना पौधा कैसे जिंदा रहेगा क्योंकि पत्ती इज द फोटो पार्ट है ना बच्चों फोटो सिंथे, फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो मीजोफिल सेल्स हैं वो पत्ती के अंदर ही प्रेजेंट है तो यार इसको अपने लोग बोल सकते हैं इट इज द फोटो पार्ट अब ये पत्ती बनती कहाँ से है तो आपको याद रखना है जब एक पौधा अपने वेजिटेटिव फेज में होता है देखो पौधे के दो फेजेस आते हैं एक वेजिटेटिव फेज होता है जब वो रूट स्टेम लीफ बनाता है और फिर एक रिप्रोडक्टिव फेज होता है जब स्टेमन कार्बन ये सब चीजें बनती है जब पौधे का वेजिटेटिव फेज होता है ना तो पत्ती बनाने के लिए जो आ, यू नो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है वो दी जाती है सैम अंकल को किसको सैम को शूट एपिकल मेरिस्टम सो लीफ एक्चुअली अराइजेस फ्रॉम अगर कोई तुमसे पूछ ले कि भैया लीफ का जन्म किसकी वजह से होता है तुम बोलोगे सैम अंकल की वजह से होता है जैसे मान लीजिए ये आपका बेस है ग्राउंड है ग्राउंड पे ये आपका क्या है सैम है दिख रहा है दिस इज योर सैम अब इस सैम से क्या ओरिजिनेट होंगी आपकी पत्तियां ओरिजिनेट होंगी ठीक है जी फिर कुछ समय बाद ये सैम ऊपर जाएगा फिर कुछ समय बाद ये सैम ऊपर जाएगा और फिर ऊपर जाकर आपकी और पत्ती ओरिजिनेट होगी तो इस तरीके से बेटा आपका सैम सैम से आपकी पत्ती पत्ती ओरिजिनेट ओरिजिनेट होती है है याद रहेगा फ्रॉम अब ये जो पत्ती है, ये जो स्टेम में कहा प्रस्तुत होगी स्टेम में बेटा जहां जहां पर तुमको नोट दिखाई देंगे वहीं पर पत्ती प्रेजेंट होगी देखो जब रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में बात करेंगे तो नोट में जब इन्फ्लोरसेंस बन जाता है देखो हो क्या रहा है समझो ये अपनी स्टेम है अगर ये वेजिटेटिव पार्ट में है तो इसके पास जो नोड्स हैं वहां से क्या निकल रही है आपकी पत्ती निकल रही है कल को बेटा जब इस पे फ्लावर आने का समय हो जाएगा तब इस को अपने लोग क्या बोलेंगे? इन अभी अपने फ्लावर की बात नहीं करते अभी बात करते हैं सिर्फ लीफ की लीफ जो है इट इज प्रेजेंट एट कहां पर प्रस्तुत होगी प्रेजेंट एट नोड्स नोड्स पे प्रेजेंट होंगी और हमेशा याद रखना है लीप जो है इट फॉलोज एक्रोपिटल मैनर अब ये क्या होता है इट फॉलोज एक्रोपिटल मैनर इसका मतलब है जो जवान पत्ती है वो ऊपर की तरफ जाएगी और जो बूढ़ी पत्ती है वो बेस की तरफ रहेगी यानी कि जो जवान पत्ती जैसे जैसे पौधा बड़ा होता जाएगा मान लीजिए पौधा बड़ा हो गया ठीक है ये पौधा बड़ा हो गया ये जो ऊपर की साइड पर तुमको पत्ती दिखाई दे रही है ये है यंग पत्ती और नीचे की साइड पे जो पत्ती दिखाई दे रही है ये है ओल्ड पत्ती हमेशा हमेशा जो लीव्स हैं वो एक्रोपिटल फैशन को फॉलो करती हैं यंग टुवर्ड्स एक्सेस एंड ओल्ड टुवर्ड्स द बेस यंग टुवर्ड्स द एपिक्स तो मैं लिख दू यहां पर यहां पर एक्रोपिटल का मतलब होता है आज हम बारी बारी वर्ड यूज करेंगे दैट यंग लीव विल बी टुवर्ड्स हाँ जी बेस और एपेक्स तो तुम बोलोगे एपेक्स एक होता है बेसिपिटल बेस बेस पे जवान वाली रहेगी एक्रोपिटल एपेक्स पे आपकी जवान वाली और बेस पे बूढ़ी वाली रहेगी ठीक है जी तो लीफ हमेशा इसको फॉलो करती है अब बात करते हैं कि एक पत्ती के पास कितने तरीके के पार्ट्स हैं सो शुड वी ड्रॉ पत्ती हाँ जी बेटा बचपन में बचपन में जब ड्रॉइंग क्लास लगाते थे तो पत्ती बहुत बनाते थे है ना जब भी ड्रॉइंग क्लास लगाते थे तो ऐसा पत्ती जरूर बनाते थे बहुत आसान है सबके लिए है ना मैंने आपको बताया पत्ती हमेशा कहां से ओरिजिनेट होगी यस yes, पत्ती कहां से ओरिजिनेट होगी नोड से तो ये जो मैंने येलो कलर से बनाया है ये और कुछ नहीं है बेटा ये क्या है ये है नोड ठीक है देन बेटा स्टेम के ऊपर जो नोड था यहां से आपकी पत्ती का ओरिजिन हुआ यानी कि ये लीफ का इतना सा हिस्सा क्या है बेस है तो मैं बोल सकती हूँ दिस मच पार्ट इसको थोड़ा हद्दाक कर देते हैं दिस वन दिस इज कॉल्ड एज द बेस ऑफ लीफ क्या बोलेंगे बेस ऑफ लीफ अभी हर हिस्से को लिखेंगे देन बेटा आप इधर आ जाइए ये पार्ट दिस वन दिस इज कॉल्ड एज जिससे पत्ती अटैच्ड है इसको अपने लोग बोलते हैं पीटीओल ये कौन सा हिस्सा है पीटीओल And then आ जाता है मेन पत्ती लैमिना तो कितने हिस्से दिखाई दिए तुमको? कितने से एक पत्ती में? तुम बोलोगे एक पत्ती के तीन कौन-कौन से? एक तो लीफ का बेस जिससे ये नोड से अटैच है देन बेटा लंबी सी डंडी जिसको स्टॉक या फिर पीटीओल बोलते हैं एंड देन एक्चुअल की जो पत्ती है आगे पीछे करके देख सकते हो इतनी सुंदर पत्ती है, है ना? पत्ती तो काटते हैं या फिर पेटल फेंकते हैं राइट right. तो ये क्या है अपना लामिना है यस yes. यस yes. चलो वन बाय वन डिस्कस करते हैं सबसे पहले बात करते हैं लीफ बेस की किसकी बात करते हैं इस वाले हिस्से की लीफ बेस की लीफ लीफ बेस बेस का दूसरा नाम है हाइपोपोडियम मैं यहीं पर लिख रही हूं दिस इज आल्सो कॉल्ड एज हाइपोपोडियम ठीक है काम क्या है इसका इसका काम है ये पीटीओल को स्टेम से जोड़ता है देख ही रहा है तुमको सो इट अटैचेस अटैचेज पीटीओल किसके साथ विद स्टेम ठीक है बीच का ये हिस्सा ना इतना सा दिस इज देश पीटीओल को स्टेम से जोड़ता है नेक्स्ट आपका आ जाता है पीटीओल पीटीओल को बोला जाता है मीजोपोडियम हांजी इसका क्या दूसरा नाम है मीजोपोडियम दिख रहा है मीजो पोडियम क्या है ये पत्ती की डंडी स्टॉक ऑफ लीफ दिस इज कॉल्ड एज स्टॉक ऑफ लीफ अभी तुमको पता है इतनी हवा चलती है हवा में पत्तियां ऐसे ऐसे लहरा रही होती हैं यार ये जो इसकी स्टॉक है मान लो ये पत्ती है ये इसकी स्टॉक है अब ये स्टॉक में कुछ तो ऐसी चीज होनी चाहिए जो इसको फ्लेक्सिबल बनाए कि भैया हवा इधर है पत्ती इधर जा रही है फिर हवा इधर है पत्ती इधर जा रही है इसके पास एक ऐसा टिश्यू है जो इसको स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है और फ्लेक्सीबल बनाता है वो वैसे हम अनाटमी में करने वाले हैं बट मैं मेंशन कर देती हूँ हेयर द टिश्यू इज कॉल इन

असल में फोटोसिंथेसिस तो लैमिना ही करता है सो यहां से ये बन गया आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ठीक है मोस्ट क्यों क्योंकि क्योंकि दो बड़े इंपॉर्टेंट काम करता है क्योंकि इसी के पास सेल्स होते हैं तो यार यही फोटोसिंथेसिस करेगा इसी के पास टोमाटा है तो ये क्या करेगा कैप्शियस एक्सचेंज करेगा यस yes, बेटा लैमिना पता चल गया तो तीन हिस्से हो गए पत्ती के बेस ऑफ द लीफ जो कि अटैचमेंट में हेल्प करता है पीटीओल स्टॉक है जो यू uh, नो you know, आपके उसको सपोर्ट देता है एंड देन द लैमिना लैमिना में आपकी फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन हो रही होती है एक्सचेंज गैसेस एक्सचेंज हो रहा होता है अब यार इस लैमिना के अंदर क्या है ऐसे तो लैमिना नहीं बैठा ऐसे तो लैमिना नहीं बैठा लैमिना के अंदर आपको ऐसे डंडिया दिखाई देती है है ना एक सेंट्रल डंडी और फिर एक साइड पे डंडी है ना ये क्या होता है ये होती है वेन्स

मान लीजिए पत्ती है पत्ती को बेटा साथ साथ लेके चलूंगी क्योंकि आज अपना लीफ ही है यस लीफ लीफ के अंदर ये जो सेंट्रल वाली है सबसे बड़ी वाली वेन दिख रही है दिस इज लार्जेस्ट वेन लार्जेस्ट वेन बच्चों क्या नाम दोगे इसको मिड रिब यस सब बच्चे मेरे साथ साथ लर्न करेंगे कोशिश होनी चाहिए आपकी कि इस बायो की क्लास में सामने से तुम लर्न करके जाओ ठीक है यही कोशिश होनी चाहिए मिड रिब है इस मिड रिब के साथ आपकी बहुत सारी वेन्स होंगी जो कि कंडक्शन में हेल्प करती हैं पानी के ट्रांसपोर्टेशन में फूड के कंडक्शन में हेल्प करती हैं अब यार किस तरीके से ये अरेंज हैं पैरल हैं या नेटवर्क बना रही हैं उस अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं उस अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं विनेशन यस द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इज कॉल्ड एज विनेशन तो यार अब अपने दो तरीके का विनेशन करेंगे इन्हीं वेन्स के अरेंजमेंट को बोला जाता है बच्चों विनेशन एंड विनेशन इज ऑफ टू टाइप्स दो तरीके का विनेशन है पहला रेटिकुलेट विनेशन यस फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज रेटिकुलेट विनेशन सेकंड वन इज कॉल्ड एज पैरेलल विनेशन हां जी रेटिकुलेट एंड पैरेलल विनेशन रेटिकुलेट नाम पुराना नहीं है इसमें क्या होता है कि मान लीजिए एक पत्ती है ये आपकी पत्ती है पत्ती के सेंटर में ऑब्वियसली क्या प्रेजेंट है आपकी मिडरिप प्रेजेंट है लेकिन इस पत्ती में जो साइड की वेन्स हैं, ये साइड की वेन्स बेटा एक तरीके का ना नेटवर्क बनाती है देख रहे हो साइड की वेन्स एक तरीके से नेटवर्क बनाती है छोटी भी हो सकती है बड़ी भी हो सकती है साइज कॉमन नहीं है इनका नेटवर्क टाइप बना लेंगी कैन यू सी नेटवर्क टाइप बना लेंगे देखिए आपने इस तरीके की पत्तियां देखिए सेब बर्गर इन सबकी पत्ती कैसी है, है बिल्कुल इस तरीके की दैट इज रेटिकुलेट विनेशन विनेशन दूसरी साइड अगर तुम देखो ये आपकी पत्ती बनाई ठीक है देन बेटा या तो इसमें ऐसी मिड्रिप है मिड रिब है ये पार्लल यस प्यूटिफुली पार्लली अरेन्ज या फिर या फिर बेटा ऐसा अरेंजमेंट भी हो सकता है ये आपकी मिड रिब है और पार्लली इस तरीके से है Can you see? इस तरीके से है। yes, हाँ। है, है। है है। बच्चों? जी जाल जाल जो जो वो और ये पता नहीं क्या है। चलो रेटिकुलेट की अगर बात करें रेटिकुलेट में नेटवर्क बन रहा है जो वेन्स है वो नेटवर्क बना रही है पहली चीज नेटवर्क बना रही है और इनका साइज डिफरेंट है हर वेन का साइज जो है वो डिफरेंट है किस में पाई जाती है एग्जाम्पल पे सवाल आता है डायकॉट में जैसे अमरूद में सेब में आपके बरगद के पेड़ में इसमें आपके रेटिगलेट मिलेगी देन पैरल की अगर बात करें यहाँ पर जो वेन्स हैं ये पैरल हैं एक दूसरे के समान हैं या तो ऐसे 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 या फिर ऐसे 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 और ऑलमोस्ट सेम साइज है सेम साइज की होंगी ऑलमोस्ट ऑब्वियसली एग्जाम्पल है इज गोइंग टू बी मोनो मोनोकॉट्स तो ये बात हो गई आपकी विनेशन की क्लियर हाँ जी बच्चों क्लियर हो गया लर्न हो गया खतरनाक reticulate और आपका पैरेलल अच्छा आपको पता है कि हमारी पीवाई क्यू मैराथन सीरीज चल रही है डू यू नो डू यू नो एक मिनट मैं दिखाती हूँ यस yes. सब बच्चों को पता है कि ये सीरीज चल रही है कल हमने एक साल का पेपर डिस्कस किया था वो मैं नहीं बताऊंगी कि कौन से साल का था बट आज पांच बजे हम नेक्स्ट साल का पेपर डिस्कस करने वाले लिंक जो है वो मैंने यहां पर पिन कर दिया मेक श्योर यू आर एनरोलिंग इन दैट लिंक आप उस लिंक में एनरोल कर रहे हो बिना एनरोलमेंट के कोई मजा नहीं है क्लास निकल जाएगी तो पता नहीं चलेगा और से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है इस समय आपके लिए चाहे पहले करे हुए हैं दोबारा करो आके क्योंकि ये फुल सिलेबस का पीवाई क्यू है कि पूरा पेपर किस तरीके से आया था ठीक है सो मेक श्योर यू एनरोल इन दिस एनरोल कर लेना इसमें ओके चलो वापस आ जाते हैं अपनी पत्ती पे पत्ती के आगे बात करते हैं दो तरीके की पत्तियां लिखेंगे ये तो विनेशन था मूविंग ऑन टू टाइप्स ऑफ लीफ टाइप्स ऑफ लीफ हां जी दो तरीके से बेटा डिवाइड करेंगे फर्स्ट वन इज सिंपल लीफ एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एज कंपाउंड लीफ सिंपल लीफ एंड कॉम्पाउंड लीव ठीक है सिंपल एंड कंपाउंड अब सिंपल लीफ क्या होता है जिसमें जो अपना लैमिना है ना वो ऐसे सिंगल यूनिट में है वो कटा कटा नहीं है वो पूरा का पूरा एज ए सिंगल यूनिट प्रेजेंट है उसमें कट्स या तो नहीं है या अगर कट्स हैं तो यार बहुत ब्यूटीफुली प्लेस है वो मिड रिप तक नहीं आते लैमिना पूरा सिंगल यूनिट की तरह प्रेजेंट है यानी कि अगर मैं देखूं तो यार या तो ये केस है ठीक है पूरा का पूरा लैमिना है ओहो ये केस है कोई कट नहीं है या फिर बेटा अगर कट है तो ऐसे ऐसे है वो कट ना मिड रिप तक नहीं पहुंच रहे ये नहीं मिड रिप मिड रिप तक तो कट नहीं पहुंच रहे कट तो रुक गया यहां पर या फिर बेटा ऐसे जैसे पत्ती होती है देख रहे हो यस सो आइदर देर आर नो कट्स प्रॉपर लैमिना सिंगल यूनिट की तरह प्रेजेंट है या फिर इफ देर आर कट्स तो कट्स मिड रिब तक नहीं पहुंच रहे बीच में गैप है तो अभी भी जो लैमिना है वो एज सिंगल यूनिट प्रेजेंट है इसमें भी देख लीजिए कि कट्स तो है लेकिन कट ना मिड रिब तक नहीं पहुंच रहा यानी कि जो लैमिना है लैमिना इज प्रेजेंट एज अ सिंगल यूनिट तो यहां पे लिख सकते हैं लैमिना एज अ सिंगल यूनिट प्रस्तुत है ठीक है जी यहाँ पर जो इंसीजन है इंसिजन यानी कि कट या तो एबसेंट है ठीक है इस केस में या फिर इंसिजन डू नॉट रीच मिड मिड्रिप तक नहीं पहुंचते हैं बाहर बाहर ही रह जाते हैं और सुंदर सा आकार दे देते हैं तुम्हारी पत्ती को डिजाइन दे देते हैं कटिंग वाला ठीक है ऐसा आपको कहाँ देखने को मिलता है ऐसा आपको देखने को मिलता है अमरूद के पेड़ में एप्पल के पेड़ में फाइकस मैंगो ठीक है आम का पेड़ तो सबने देखा है आम के पेड़ में देखने को ऐसी पत्तियां मिलती है। है? हैं ठीक है लैमिना एज कंपाउंड लीफ पे कंपाउंड में जो इंसिजन है जो कट है वो बीच तक पहुंच जाएगा वो बीच तक पहुंच जाएगा तो मैं लिख देती हूँ यहां पे इंसिजन जो कट है इट रीचेज मिडरिब मिडरिप तक पहुंच जाता है यानी कि जो लैमिना है वो डिवाइड हो गया और डिवाइड होके उसने क्या बना ली लीफलेट बना ली अब पत्ती का भी और छोटा हिस्सा आ गया दैट इज लीफलेट उसने लीफलेट बना ली तो यार दो तरीके से कट्स हो सकते हैं यहां पर लिखते हैं अपने. या तो कट कैसा होगा बेटा आज ना इमेजिनेशन की क्लास है आज किसकी है इमेजिनेशन की क्लास है या तो कट कैसे होंगे इस एंगल में होंगे देखो ये मिडरिप है इस एंगल में देख रहे हो डायरेक्शन एरो देखो या फिर कट्स कैसे होंगे इस एंगल में होंगे या एरो को देखिए यानी कि अगर मैं फर्स्ट वाला बनाऊं आपके तो अपने पास लीफलेट ऐसे बनेगी लीफलेट ऐसे बनेगी ये देखिए ये 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 यस yes. क्योंकि ऐसे ऐसे कट हो रहे हैं पत्ती बीच में से बिल्कुल काट दी छोटे छोटे लीफलेट्स बन गए अगर मैं ऊपर से काटना शुरू करूंगी तो यार मेरे को जो पत्ती मिलेगी वो ऐसी मिलेगी जो लीफलेट्स मिलेंगे वो ऐसे मिलेंगे दिख रहे यस कैन यू सी या तो कट्स ऐसे आएंगे ट्रांसवर्सली फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड या फिर ऊपर से नीचे लॉन्गिट्यूड अगर ऐसे ऐसे आएंगे तो यार अपने को इस तरीके का अरेंजमेंट मिलेगा और अगर ऊपर से आएंगे तो इस तरीके का अरेंजमेंट मिलेगा ये जो फर्स्ट अरेंजमेंट तुम देख रहे हो ना मैंने यहां पर बनाया फर्स्ट अरेंजमेंट दिस इज कॉल्ड एज पिनली कंपाउंड लीफ कंपाउंड तो है क्योंकि लीफलेट बन गए ये जो पहला अरेंजमेंट है ये कैसा कंपाउंड है दिस इज कॉल्ड एज पिनली कंपाउंड लीफ क्या बोलोगे पिनेटली कंपाउंड और ये वाला कैसे हो जाएगा पाम ट्री की तरह ना ब्यूटीफुल पाम अभी जो मैंने स्काई डाइविंग की है वो पाम आइलैंड के ऊपर ही करी है तो वहां पे नीचे प्रॉपर आपने दुबई में देखा होगा कि प्रॉपर पाम प्राप की तरह इस तरीके से बनता है तो यार इसको बोलते हैं पामेटली कंपाउंड लीफ है ना पाम palm जैसा पामेटली कंपाउंड लीफ यस बेटा क्लियर हो गया पिनेटली एंड पामेटली यस चलो आ जाओ पिन्नेटली एंड पामेटली कंपाउंड लीफ ठीक है जी हूँ हूँ हूं 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 हूँ हाँ जी बेटा बताइए पिनेटली एंड पामेटली कंपाउंड लीफ कुछ तो गड़बड़ है एक मिनट रुको रुको हम्म 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 हाँ जी क्लियर हो गया लेट मी शो यू फ्रॉम एनसीआरटी एनसीआरटी में देख लो एनसीआरटी में देख लो तो यार एनसीआर टी में भी फोटो बनी हुई है ये देखिए पार्ट्स ऑफ लीफ की फोटो देखिए पार्ट्स ऑफ लीफ देखिए ये जो छोटा सा हिस्सा है दिस इज कॉल्ड एज लीफ पेस ये जो डंडी है दिस इज कॉल्ड एज पीटीओल पीटीओल के बाद बेटा यहाँ पर क्या आ रहा है आपका लामिना अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर भी कट्स प्रेजेंट है लेकिन स्टिल द लामिना इज प्रेजेंट एज अ सिंगल यूनिट यानी कि ये कैसी लीफ है ये आपकी सिंपल लीफ है ये कैसी लीफ है यह आपकी सिंपल लीफ है कंपाउंड नहीं प्रेजेंट है देन आपके यहाँ पर दिए हुए हैं एक तरीके से विनेशन यहाँ पे अगर तुम देखोगे ये मिड्रिप है में में से में से पर क्या देख रहे हो नेटवर्क सा बन जा रहा है प्रॉपर पैरेलल नहीं है एक नेटवर्क बन जा रहा है आपका रेटिकुलेट विनेशन देन अगर यहाँ पर देखोगे तो जैसा मिड्रिप है इसके पैरेलल में ही कट आ रहे हैं एंड दिस इज कॉल्ड एज योर पैरेलल विनेशन इसको क्या बोलेंगे बेटा जी अपने पारल विनेशन बोलेंगे हाँ जी क्लियर हो गया पारल विनेशन बोलेंगे ठीक है जी विनेशन इज डन राइट बच्चों तो क्लियर हो गया तो ये बात हो गई अपनी विनेशन की विनेश राइट बच्चों तो क्लियर हो गया तो ये बात हो गई अपनी विनेशन की विनेशन में हमने यहाँ पर एक्साम्पल भी कर लिया कि यार विनेशन है रेटिक्लेट है और क्या है आपका पार्लल है देन सिंपल और कंपाउंड बेटा आपका यहाँ पर दिया हुआ है सिंपल और कंपाउंड भी अपने डिस्कस कर लिया पिनेटली कंपाउंड लीव भी कर ली और बेटा अब हम आगे बढ़ने वाले हैं इस पिनेटली कंपाउंड लीव को अगर थोड़ा सा एक्सटेंड करके देखें थोड़ा सा बड़ा बना के देखो अगले पेज में बना दो पिनेटली कंपाउंड ये देखिए तो पिन्नेटली कंपाउंड में सीन क्या है सीन है बेटा इस तरीके से एंड आपकी जो लीफलेट है वो ऐसे प्रेजेंट है है ना इस तरीके से लीफलेट प्रेजेंट है क्योंकि अपने साइडों से काट रहे हैं अब यार इसमें जो सेंट्रल एक्सेस है देख रहे हो अब यार ये सेंट्रल एक्सेस का नाम पहले तो क्या था मिड रिप था पहले इसका नाम क्या था मिड रिप था अब इसका नाम क्या है रेकेस है अब यार इस सेंट्रल एक्सेस का नाम जो है वो क्या है रेकेस वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपको आ भी चुका है और ये आ भी सकता है

एक पॉइंट से ही बेटा पाम की तरह सारी लीफलेट निकाली ली है ये जो, जो पॉइंट है।, है ना इसी के आगे आपकी पूरी लीफ थी वो लेकिन इस तरीके से डिवाइड हो गई तो ये आगे बन गया आपका टिप ऑफ पीटीओल एनसीआर के एग्जाम्पल में क्या देती है सिल्क कॉटन जिसको हम बोलते हैं बॉम्बैक्स जैसे बेटा हमने ऑर्थ्रोपोडा में नहीं पढ़ा था सिल्क वर्म बॉम्बिक्स था ये क्या है आपका बॉम्बैक्स है देन बेटा आपके आ, क्या कहते हैं आ, लेमन सिट्रस फ्रूट्स सिट्रस फ्रूट संतरा नींबू ये सब आपके आ जाएंगे पामिटली कंपाउंड तो आपको दो टर्म याद रखनी है मैंने दो टर्म के लिए दोबारा फोटो बनाई है पहली टर्म रेकेस रेकेस की जिसका पहले नाम नाम था अब उसका नाम है एंड यहां पर जो सारी लीफलेट निकलेंगी वो कहाँ से निकलेंगी वो एक कॉमन पॉइंट से निकलेंगी रेकेस बोलो सब बच्चे बोलो मेरे साथ ये क्या है रेकेस है ये क्या है रेकेस है नेक्स्ट चीज जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो सारी लीव्स हैं ये स्टेम के ऊपर किस तरीके से अरेन्ज है ऐसे पैरेलल पैरेलल है अल्टरनेट है एक नीचे एक ऐसे एक ऐसे किस तरीके से अरेजड है तो लीफ का अरेंजमेंट ऑन स्टेम दिस इज कॉल्ड एज फाइलो टैक्सी क्या बोलते हैं बेटा इसको फाइलो टैक्सी तो अगली चीज बेटा जी जो हम करने वाले हैं फाइलो टैक्सी ओला उबर वाली टैक्सी नहीं है बेटा ये क्या है फाइलो टैक्सी है फाइलो टैक्सी क्या होता है अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम अरेजमेंट so किसका ऑफ लीफ किस पे ऑन स्टेम तो तीन तरीके का यार अरेजमेंट करेंगे अपने तीन तरीके की फाइलो टैक्सी करेंगे बेटा ये सारे नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाते हैं कल मैंने आपको टेलीग्राम पे शाम को मेरे ख्याल से मैंने नोट्स भेज दिए थे मुझे अभी भी यार कुछ लोग ऐसे कॉमेंट्स में लिखते हैं कि वो नोट्स एम मतलब ब्लैक दिखते हैं डू यू सी देम ब्लैंक बताओ जरा क्या आपको ब्लैंक दिखते हैं पोल में बताओ मैं मैं जब खोल के देखती हूं मुझे तो नहीं ब्लैंक दिखते यार मुझे तो नहीं ब्लैंक दिखते प्लीज मुझे बताना क्या आपको वो नोट ब्लैंक दिखते टेल मी हां जी खोल के देखो यार खोल के देखो खोल के देखिए वॉइस कट हो रहा है हो नहीं सकता पूरा दिखता है नो no, बोल रहे सिक्सटी फाइव परसेंट बाकी के मैं उम्मीद करती हूँ ये पैंतीस परसेंट बच्चों ने तो खोल के देखे भी नहीं है उनको खोल के देखने से मतलब ही नहीं है है ना क्योंकि जब मैं टेलीग्राम पे देखती हूँ तो मुझे बेटा विद एनोटेशन दिखते हैं ये जो मैं ऊपर लिख रही हूँ ये जितना भी मैं हाथ से कर रही हूँ दिस इज कॉल्ड एज एनोटेशन दिस इज कॉल्ड एज एनोटेशन है ना तो ब्लैंक नहीं होने चाहिए एक बच्ची है जो हमेशा कॉमेंट करती है ब्लैंक दिखते हैं बेटा आपके ना मुझे लग रहा है इंटरनेट में ही प्रॉब्लम है किस में प्रॉब्लम है इंटरनेट में ही प्रॉब्लम है तभी आपको ब्लैंक दिखते हैं आप डाउनलोड ही नहीं कर पा रहे हो उनको पूरा हाँ जी तीन तरीके का अरेंजमेंट हो सकता है पहला है ऑल्टरनेट दूसरा है ऑपोजिट एंड तीसरा है घेरा yes. so, पहले वाले से शुरू करते हैं दिस इज कॉल्ड एज ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट का मतलब है कि ऐसा अरेंजमेंट है देख रहे हो ये आपकी स्टेम है इसके ऊपर ये नोड्स हैं ये नोड है ये नोड है ये नोड है ये तो एक पत्ती बेटा निकली यहां से दूसरी निकलेगी यहां से फिर एक निकलेगी यहां से ऑल्टरनेट देख रहे हो? ऑल्टरनेट देख लो यानी कि एक नोड पर आमने सामने नहीं है ऑल्टरनेट है इधर अगर लेफ्ट साइड है तो इधर अगर राइट साइड है इधर फिर लेफ्ट साइड है ऊपर फिर क्या होगी राइट साइड होगी जरा ऑपोजिट पे आइए ऑपोजिट पे कैसा अरेंजमेंट होगा ऑपोजिट पे ऐसा अरेंजमेंट होगा मान लीजिए ये क्या है आपके नोड्स हैं नोड्स में दोनों साइड पर पत्ती निकलेगी यहां भी निकल रही है और उसके ऑपोजिट यहां भी निकल रही है देन बेटा यहां भी निकल रही है और यहां भी निकल रही है यहां भी निकल रही है और यहां भी निकल रही है यानी कि नोड के दोनों साइड पर पत्ती है लेकिन ये इसके ऑपोजिट है ये इसके ऑपोजिट है देन आ जाते हैं बेटा वर्ल पे वर्ल्ड यानी कि घेरा बनाना है घेरा बनाने का मतलब है एक नोड के पास बहुत सारी पत्तियां हैं मान लीजिए एक नोड है ये इसके पास बहुत सारी पत्तियां हैं लेकिन वो सारी पत्ती ना आपस में ऐसे घेरा बना ले रही है घेरा बना ले रही है ठीक है दिस इज कॉल्ड घेराबंदी और द वर्ल्ड फाइलो टैक्सी वर्ल्ड फाइलो टैक्सी तो पहला लिख लेते हैं ऑल्टरनेट के बारे में ऑल्टरनेट में मैंने बताया एक नोड के पास कितनी पत्ती दिख रही है ओनली वन लीफ दिस वन इज़ द मोस्ट कॉमन वन ये क्या है सबसे ज्यादा कॉमन है किस में प्रेजेंट होगी मेंबर्स ऑफ़ ऑफ़ मोस्ट द फ़ैमिलीज़ जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले जैसे मेंबर्स ऑफ़ में फैमिली जिसमें आपका मस्टर्ड आ जाता है कौन आता है मस्टर्ड आ जाता है। ऑफ मालवेशिया में बेटा तीन एग्जांपल रट लो कितनी रट लो एक तो आता है कॉटन और तीसरा आपका लेडी फिंगर तीन याद कर लो तो मैं एनसीआर लिख रही हूँ जैसे से आपका लिखा हुआ है सोलिनेशिया भी इसमें आती है पटेटो हो गया ब्रिंजल हो गया एंड देन बेटा मालवेशिया इसमें आती है तो उसमें एग्जाम्पल दिया हुआ चाइना रोज देन एस्टेसिया फैमिली में आपका आ जाता है सनफ्लावर सूरजमुखी ठीक है जी तो ये तीन एग्जाम्पल आपके दे ऑल्टरनेट फाइलो टैक्सी में बट मोस्ट ऑफ द फैमिली दे हैव दिस वन ऑपोजिट की बात करें तो बेटा इसमें आता है अमरूद गोआवा एंड कैलोट्रोपिस हां जी इसके पॉइंट uh, लिखा नहीं हमने दैट एक नोड के पास कितना लीफ होगा टू लीव्स होगा टू लीव्स होंगी और ये दोनों क्या होंगी ऑपोजिट टू ईच अदर होंगी देन वर्ल्ड में क्या है एक ही नोड के पास ईच नोड बियर्स मेनी लीव्स बहुत सारी लीव्स होंगी ठीक है जी और ये घेरा बना लेंगी यानी कि वॉल बना लेंगी एग्जांपल इज आलस्टोनिया आलस्टोनिया एंड नीरियम नीरियम ओके जी ठीक है तो हो गया सबका हो गया बेटा जितनी इसमें वो बनाना चाहो ना तुम डायमेंशन ना तो बना ले। लेकिन बेटा मैं एक बात इस चैप्टर में इतने ज्यादा निमोनिक मत कर लेना इधर उधर से मत देख लेना कि यार तुम्हें ये चैप्टर ना याद करना मुश्किल हो जाए मुश्किल हो जाए निमोनिक याद करने मुश्किल हो जाते हैं जब निमोनिक की जरूरत पड़ेगी ना जब हम फैमिलीज करेंगे तब करेंगे अभी कोई जरूरत नहीं है आपको ठीक है अभी कोई जरूरत नहीं अभी आप इसको ऐसे ही याद कर सकते हो इतना कोई इसमें लोड लेने वाली बात नहीं है है ना इतना कुछ लोड लेने वाली बात नहीं है आवाज आ रही है अब आ रही नीचे गिर गया था एक्चुअली माइक माइक नीचे गिर गया था बेटा अब ऊपर आ चुका है हाँ जी बेटा चलो अब करते हैं जैसे हमने कल किया था मॉडिफिकेशन ऑफ रूट फिर हमने किया मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम आज हम करने वाले हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ लीफ भी बेटा कुछ और काम करने के लिए मॉडिफाई हो जाती है एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहला केस आता है फॉर स्टोरेज ऑफ फूड कई बार लीफ में भी खाना भर जाता है स्टोरेज ऑफ फूड यस एग्जाम्पल प्याज लसन कल बात करी थी ना कि जो प्याज तुम एक्चुअली में खाते हो प्याज का जो हिस्सा खाते हो उसकी फ्लैशी लीव्स हैं स्केली हैं जिसमें खाना भर चुका है पानी भर चुका है ठीक है सो हेयर द एग्जाम्पल विल बी ऑफ अनियन गार्लिक जो लिली फैमिली को बिलोंग कर रहा है ठीक है इनके पास क्या प्रेजेंट है स्केल लीव्स हैं, क्या है Scale leaves हैं, जिन्होंने खाने को स्टोर कर रखा है पानी और फूड को स्टोर कर रखा है तो यार प्याज में तुम क्या खा रहे हो याद क्या करो जब भी प्याज खाओ देखा करो मैं इसकी पत्ती खा रहा हूं और इसकी पत्ती वो है जो कि मॉडिफाई हो चुकी है खाने को स्टोर करने के लिए नेक्स्ट लीफ टेंड्रल्स भैया कल जो हमने टेंड्रल्स करे थे वो क्यूकम्बर में लौकी में तोरी में घी में वो जो टेंड्रल्स टे, थे वो स्टेम का मॉडिफिकेशन था लीफ भी बेटा क्या बनाती है टेंड्रल्स बनाती है ठीक है लीफ का कौन सा हिस्सा बनाएगा टेन्रेल आपको पता है ना ऐसे गोल 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 लीफ का कौन सा हिस्सा टेंड्रिल बनाएगा तो तुम बोलोगे लीफ का पीटीओल भी टेंड्रिल बनाता है लीफ का यार लीफलेट भी टेंड्रिल बनाता है और पूरी की पूरी लीफ भी बेटा टेंड्रिल में मॉडिफाई हो जाती है एंटायर लीफ एंटायर लीफ ठीक नहीं। भी बनाती है नहीं लीफ एग्जाम्पल मेंडल ने जिस पे काम किया था मेंडल ने किस पे काम किया था गार्डन पी गार्डन पी का फुल फॉर्म साइंटिफिक नेम क्या है पाइसम सेटाइवम ये तो कोई नहीं भूलना चाहिए है ना और जिससे अपने को डाउट होता है डाउट किससे होता है वहां पर स्पेशली लिखते हैं मेंडल ने गार्डन पी पे काम किया था मैंडल ने स्वीट पी पर काम नहीं किया था स्वीट पी क्या है लेथायरस ऑडोरेटस लेथायरस ओडोरेटस और इसमें क्या आ जाएगा आपका क्लेमेटस ओके okay जी तो ये बात हो गई आपकी लीफ टेंड्रिल की ये बात हो गई आपकी लीफ टेंड्रिल की याद रहेगा फटाफट पड़ से यार एक एक पेज करके ना याद करते जाया करो स्टोरेज ऑफ फूड हो गया अनियन गार्लिक में टेंडल्स हो गए आपके पाइसम गार्डन पी और आपके स्वीट पी में कैमरा चल पड़ा रुको हां जी तीसरा नंबर तीसरा बेटा लीफ का जो बेस है ना बेस याद है ये था ये स्टेम थी ये नोड था और यहाँ पे पी था और ये बेस था देख रहे हो दिस इज द बेस बेस ऑफ द लीफ ये जो बेस है लीफ का ये भी मॉडिफाई हो जाता है कई बार ये मोटा सूज जाता है और कई बार यार स्टेम पर ही पूरी शीत बना लेता है परत बना लेता है तो अब मैं बताऊंगी मॉडिफिकेशन ऑफ दिस लीफ बेस बेस किसकी मॉडिफिकेशन करेंगे सिर्फ इतनी की तो अगर आप देखेंगे लेग्यूमिनेसी फैमिली में ये जो लीफ का बेस है ये बहुत मोटा हो जाता है सोलन हो जाता है उसको अपने बोलते हैं पलवीनस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है पलवीनस तो पलवीनस क्या है सोलन लीफ बेस किस में पाया जाता है लेग्यूमिनेसी के मेंबर्स में पाया जाता है फिर अपने देखेंगे कि अरे लीफ का बेस है ना ये पूरे स्टेम के ऊपर ऐसे घेरा डाल लेगा यहाँ पे भी कवरिंग डाल लेगा ठीक है ऐसा हमें दिखता है बनाना में मेज में यानी कि मोनोकॉट्स में हमें ऐसा मॉडिफिकेशन भी दिखता है सो नाउ मूविंग ऑन टू मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ बेस ओके मॉडिफिकेशन ऑफ किसका लीफ के बेस का बेटा ये जो लीफ का बेस है ये सूझ भी सकता है ये क्या कर सकता है सूझ सकता है यानी कि स्वोलन हो सकता है और ये जो स्वोलन लीफ बेस है आप इसको क्या बोलेंगे नाम पलवीनस सब बच्चे मेरे साथ साथ लर्न करें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पलवीनस और ये पलवीनस आपको किस में दिखता है आपको दिखता है लेग्युनेसी के मेंबर्स में लेग्युनेसी को फैबेशिया भी बोलते हैं मटर -E -E. हो गया दालें हो गई सोयाबीन हो गया पलसेस ओके okay जी पलवीनस क्या काम है इसका सपोर्ट देना मोटा हो जाएगा तो क्या काम देगा भैया अगर ये बेस लीफ का बेस यहाँ पे सोलन हो गया तो क्या काम देगा सपोर्ट देगा और आपने बेटा वो सुना छुई मुई मी नॉट प्लांट टच मी नॉट में आपने देखा कि जैसे टच करोगे बेचारी ऐसे हो जाएगी फिर अपने आप अप खिल जाएगी तो टच तो मी नॉट प्लांट में भी ये जो पल्विनस है ना पल्विनस टर्गर प्रेशर को कंट्रोल करता है और उसके मुरझाने और खिलने में मेजर रोल प्ले करता है सो दिस इज कॉल्ड एज पल्विनस एंड कई बारी बेटा कई बारी क्या होता है कि लीफ बेस एक्सटेंड्स एंड फॉर्म्स क्या बनाएगा एक शीत बना लेगा और किसके अराउंड बनाएगा स्टेम के अराउंड शीत बना लेगा अराउंड स्टेम अराउंड स्टेम दिस इज सीन इन मोनोकोट्स, दिस इज सीन इन मोनोकोट्स तो यार इसमें ऐसी सिचुएशन है ये देखो ये मैं यहां बना देती हूँ और फिर ये यहां बना दिया तो पल्विनस क्या है पल्विनस है कि लीफ का बेस यहाँ पे स्वेल हो गया जबकि ये क्या है शीत बनाना इसने बेटा पूरी स्टेम के अराउंड इस तरीके से शीत बना ली कवरिंग बना ली दिस इज सीन इन मोनोकॉट्स डन Pulvinus पे बहुत सवाल आता है आप इसको प्लीज अच्छे से याद कर लीजिए यस yes, याद कर लीजिए नेक्स्ट आता है ये तो अपने ने बात की मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ पेस मॉडिफिकेशन ऑफ पीटीओल भी होता है ये जो स्टॉक है ना वो भी मॉडिफाई करती है कौन से नंबर पे आ गए चौथे नंबर पे मॉडिफिकेशन ऑफ पीटीओल बहुत इंपॉर्टेंट यार ये छोटी छोटी चीजें ना इसमें यही बेसिक क्वेश्चन आने हैं जो मैं लिखवा रही हूँ पीटीओल जो है कई बार बड़ी फ्लैशी हो जाती है मोटी हो जाएगी ठीक है एंड फोटो हो जाएगी फोटोसिंथेटिस फोटोसिंथेसिस करने लगेगी एंड ऐसी को अपने लोग बोलते हैं फाइलोड देखो कल अपने ने किया था कल क्या किया था फाइलोक्लेड है ना था जिसमें स्टेम फ्लैशी हो जा, हो जा रही थी है ना ओपनशिया के केस में, के केस में में यूफोरबिया के यहां पर हम बोल रहे हैं कि पत्ती की पीटीओल फ्लैशी हो जा रही है जिसको हम बोलते हैं फाइलोड तो फाइलोड इज मॉडिफिकेशन ऑफ पीटीओल ऑफ लीफ फाइलोक्लेड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम और ये आप देखेंगे ऑस्ट्रेलियन कैशिया में एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलियन अकेशिया ठीक है ऑस्ट्रेलियन अखेशिया वेरी 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 इंपॉर्टेंट इस पे बेटा सितारे लगा लो आना ये हो फाइलोड हो क्वेश्चन जरूर कंफ्यूज करने के लिए तुमको आएगा नेक्स्ट बेटा जो लीफ है वो मॉडिफाई हो जाती है स्पाइन में बड़ा सिंपल कैक्टस में है ना स्पाइन में मॉडिफाई हो जाती है कैक्टेसिय फैमिली के मेंबर एग्जाम्पल जैसे कल किया था आपने ओपनशिया एंड यूफोरबिया कैक्टेसिया फैमिली के मेंबर्स है ना ये हाँ जी इसमें क्या बना देते हैं स्पाइन बना देते हैं देन बेटा लीफ कई बारी ट्रैप करने के लिए अपने आप को मॉडिफाई करके घड़ा टाइप बना लेती है घड़ा याद है इंसेक्टिवोरस प्लांट देखे इंसेक्टिवोरस प्लांट में इस तरीके का ना ऐसे घड़ा टाइप बन जाएगा यस हां जी ये घड़ा टाइप बन जाएगा जिसके अंदर इंसेक्ट आएगा ढक्कन बंद होगा इंसेक्ट के पूरी शहीदी हो जाएगी और वो नाइट्रोजन ले, ले लेगा प्लांट उससे सो दिस टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन इज सीन इन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वो लीफ का मॉडिफिकेशन है वो क्या है लीफ का मॉडिफिकेशन है लीफ जो है यहां पर मॉडिफाई होके इंसेक्ट ट्रैपिंग एपरेटस बना रही है इंसेक्ट को ट्रैप करने का एग्जाम्पल हेयर इजेंथीस ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ड्रोसेरा वही इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के एग्जाम्पल वीनस फ्लाई ट्रैप जी बेटा वीनस फ्लाई ट्रैप ठीक है तो यहां पर समाप्त हुआ आपका पत्ती तो पत्ती में क्या क्या डिस्कस किया बेटा हमने फटाफट से आज और करते हैं पत्ती में हमने क्या क्या डिस्कस किया सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि पत्ती क्या होती है हमने बोला कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि फोटोसिंथेटिक है कहां से आता है सैम भैया से आता है शाम से है ना शाम भैया दैट इज शूट एपिकल मैरिस्टम पत्ती कहां पर मौजूद होती है नोड वाले पार्ट पे स्टेम के नोड वाले पार्ट पर पत्ती आती है फिर हमने क्या बात की कि एक पत्ती के पास कितने पार्ट्स हैं देन वी सॉ यार पत्ती हैज हाँ, हाँ गॉट लीफ का बेस देन डंडी पिटियोल पिटीओल के बाद क्या प्रेजेंट होगा

है वो मिड रिप तक पहुंच रहा है यानी कि अब जो पत्ती है जो लीफ है वो लीफलेट में डिवाइड हो चुकी है किस तरीके से डिवाइड हो चुकी है अगर बेटा कट इस दिशा में लगेंगे तो यार दिस इज कॉल्ड एज पिनेटली कंपाउंड लीफ पिनेटली कंपाउंड लीफ में जो सेंट्रल वाली एक्सेस है इसका नाम अब मिड नहीं है मिड नहीं है दिस सेंट्रल वन इज कॉल्ड एज रेकिस मेरे साथ साथ बोलो क्या बोलेंगे इसको रेकिस बोलेंगे देन आ जाइए पामेटली कंपाउंड लीफ में पामेटली में भी कट लगे हैं लेकिन कट का जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से है यानी कि ये जो है ये टिप ऑफ पीटीओल है ये क्या है टिप ऑफ पीटीओल है और इस टिप ऑफ पीटीओल से ही सारे लीफलेट निकलते हैं देन आती है है इनकी एक्जांपल। एक्जांपल बेटा आपको कहां पर मिलती मिलती नीम में है इमली में मिलती है गुलाब में मिलती है एंड ये आपको कहा मिलेगी बॉम्बैक्स याद करो बॉम्बैक्स ठीक है एंड लेमन और संतरे में मिलेगी नेक्स्ट आता है कि ये लीफ स्टेम के ऊपर किस तरीके से अरेंज है दैट इज फाइलोटैक्सी ऑल्टरनेट यानी कि एक नोड के पास एक ही पत्ती है इधर फिर ऊपर फिर इधर फिर ऊपर दैट इज ऑल्टरनेट देन ऑपोजिट एक नोड के पास दो पट्टी है एक इधर वाली और एक उसकी ऑपोजिट एंड देन आती है आपकी घेरे वाली वर्ल्ड वर्ल्ड में क्या होगा कि एक नोड के पास बहुत सारी पत्तियां हैं और वो ऐसा पूरा घेरा बना दे रही हैं. ओहो एग्जाम्पल ही डिलीट हो गया हाँ जी तो ये आपकी विद एग्जाम्पल आपको देखना है देन हमने देखा लीफ मॉडिफाई होती है स्टोरेज करने के लिए स्टोरेज किस में करा उसने अनियन गार्लिक में देन लीफ मॉडिफाई हो रही है टेंडल्स की फॉर्म में पी में गार्डन पी में ठीक है देन लीफ का बेस मॉडिफाई स्वोलन हो जा रहा है दालों में सोयाबीन में उसको अपने लोग बोलते हैं पल या लेग्युमिनेसी फैमिली में पल एंड या फिर लीफ का जो बेस है वो स्टेम के अराउंड भी एक कवरिंग बनाता है जिसको हम देखते हैं मोनोकॉट में देन कई बारी पत्ती का पीटीओल इतना फ्लैशी हो जाएगा कि वो फोटोसिंथेसिस करने लगेगा वो कहां पर दिखता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है उसको बोलेंगे फाइलोड सीन इन ऑस्ट्रेलियन अकेशिया आपके कैक्टस में एंड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स इन वीनस बीनस ट्रोसेरा ये सब इंसेक्टिवोरस है क्या मेरे साथ पत्ती सबको लर्न हो गई है लर्न हुई या नहीं हुई यस yes, बेटा ये कौन है राजकोटिया वट इज दिस ये कोई जगह का नाम है मैंने कुछ गलत शब्द तो नहीं बोल दिया जिसका मुझे मतलब नहीं पता जी बेटा ये मैंने क्या बोल दिया क्या निकल आया पत्ती लान हुई कि नहीं हुई पानी पी लो मेरे साथ साथ हाँ जी चलिए आ जाते हैं देखिए मैंने कल भी बताया था इस चैप्टर का दायरा नहीं है अब बातें कर रहे हैं शीशम के पेड़ की या खजूर के पेड़ की इसके पेड़ की बेटा दायरा नहीं है लेकिन फिर भी आपको दायरे में रहते हुए सीमित तरीके से सिर्फ एनसीआरटी तक रहना है अगर पीएचडी करने का मन हो ना कि किस पेड़ में क्या है मेरे घर के बाहर तो मैम लीची का पेड़ लगा हुआ है नींबू का पेड़ लगा हुआ है उसमें क्या है उसके लिए तो बेटा आपको लगेगा समय ठीक है हमें भी लग जाएगा समय लेकिन समय की ही तो कमी है हम सबके पास ठीक है तो प्लीज अपने आप को एनसीआरटी तक तो लिमिटेड रखिए अगर नीड करना पीएचडी करनी है तो पढ़ते रहो यार पढ़ते रहो जाओ गार्डन में बोटेनिकल गार्डन में जाओ और सबको लिखते जाओ सबको लिखते जाओ हाँ जी बेटा तो हमारा पत्ती वाला हिस्सा हुआ पूरा फर्स्ट टास्क फर्स्ट गोल ऑफ टुडे इज डन देन हमने सेकेंड गोल रखा था आज हम इन इनफ्लोर भी बात करेंगे अब यार मैं आपको बता रही हूं जब प्लांट अपने वेजिटेटिव फेज में था तब उसकी स्टेम की एक्सिस थे क्या निकलते थे पत्ती निकलती थी लीफ निकलती थी ठीक है जी अब क्या हो रहा है जब प्लांट अपने रिप्रोडक्टिव फेज में जाएगा तो यही स्टेम की एक्सिस में से क्या निकलना शुरू होगा फ्लावर निकलना शुरू होगा अब इस स्टेम की एक्सेस को हम लोग क्या बोल देंगे पिडंकल या फिर inflorescence axis बोल देंगे यानी कि वही जिससे पहले में 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 पत्ती निकलती थी अब इसी axis में से क्या 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 निकलेंगे निकलेंगे बोलेंगे बोलेंगे इनफ्लोरिस और इसी इन एक्सिस पे क्या निकलेंगे आपके फ्लावर्स निकलेंगे अब वो फ्लावर्स कैसे निकलेंगे उनका क्या अरेंजमेंट होगा उस अरेंजमेंट को ही हम क्या बोलते हैं इनफ्लोरिस बोलते हैं तो जब प्लांट गया घुसा कौन से फेज में रिप्रोडक्टिव फेज में है ना प्लांट किस फेज में गया बच्चों रिप्रोडक्टिव फेज में गया समझने की कोशिश करो उस फेज में जो स्टेम का एक्सेस था उस फेज में जो स्टेम का एक्सेस था अब वो क्या निकालेगा अब वो पत्ती नहीं निकालेगा अब वो क्या निकालेगा फ्लावर निकालेगा अब उस एक्सेस को इसी स्टेम की एक्सेस को हम लोग एक डिफरेंट नाम से जानते हैं इसको बोलेंगे इनफ्लोरेसेंस एक्सेस या फिर या फिर क्या बोलेंगे पेडंकल पेडंकल ठीक है जी पेडिसल नहीं है पेडिसल आगे फ्लार में करेंगे दिस कॉल्ड पेडंकल अब यार जो नए नोड्स हैं जितने भी नोड्स बनेंगे अब उन नोड पे लीफ नहीं आएगा अब उस नोड पे क्या आएगा फ्लावर आएगा क्योंकि पिडंकल कहला रही है अब इस पिडंकल पे जितने भी नोड्स होंगे उनके ऊपर कौन आएंगे फ्लावर आएंगे अब जो बेटा जी इंटर नोड है नोड है वो बढ़ेंगे नहीं अब बड़ा नहीं होगा प्लांट अब इंटर नोड क्या हो जाएंगे कंडेंस हो जाएंगे यानी कि मान लीजिए ये आपका एक्सेस है अब इस एक्सेस का नाम है पिडांकल इस पिडांकल पर अब क्या आएंगे फ्लावर्स आएंगे ठीक है फ्लावर्स आएंगे और ये जो इंटर नोड है ये नोड छोटा हो जाएगा कंडेंस हो जाएगा लेंथ में इंक्रीज नहीं होगा क्लियर है बच्चों तो यह बात होगी इनफ्लोरेसेंस एक्सिस की अब बात आती है कि इस इनफ्लोरेसेंस एक्सिस पर पिडांकल पर फ्लावर्स किस हिसाब से अरेज है यंग फ्लावर कहां है ओल्ड फ्लावर कहाँ है कैसा अरेंजमेंट है टिप पे आ रहे हैं या फिर ब्रांचेस पे आ रहे हैं उस अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं इन फ्लॉरिसेंस तो इन फ्लोरिसेंस क्या हो गया इट इज द अरेंजमेंट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन इन फ्लोरिसेंस एक्सिस यस yes, बोल सकते हैं कि इन फ्लोरिस एक्सेस पे फ्लावर्स का क्या अरेंजमेंट है उसको बोलेंगे अपने ठीक है जी यस yes, बेटा पे बड़ा सवाल आता है बहुत बारी सवाल आता है दो तरीके का फ्लोरेसेंस हम पढ़ेंगे रेसमोस एंड साइमोस तो कर ले टाइप्स ऑफ इनफ्लोरिस वेरी इंपॉर्टेंट मूविंग ऑन टू द टाइप्स ऑफ इनफ्लोरिस हाँ जी बेटा दो तरीके का इन का टाइप करेंगे पहले का नाम है रेसमोस एंड वो रेस लगाता रहता है उसका पिडंकल छोटा ही नहीं होता बढ़ता जा रहा है यस फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज रेसमोस जो कि रेस लगाता रहता है एक स्पर्म की तरह एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एज साइमोस ठीक है हाँ जी क्या क्या नाम है इनके रेसमोस जिसने रेस लगाते रहना है दूसरा जो अपनी जिंदगी से संतुष्ट है भैया मुझे और नहीं बढ़ना मुझे बढ़ता घर नहीं चाहिए मैं इस टू में बहुत खुश हूं तो रेस मोस का पहलास है? मतलब है, है ये हमेशा बढ़ता रहेगा देख रहे हो ये हमेशा बढ़ता रहेगा क्योंकि रेस लगाता जा रहा है कि मुझे लंबा होना है मुझे लंबा होना है यानी कि इसका जो पिडांकल है वो अनलिमिटेड ग्रोथ शो करेगा इसका जो पिडांकल है वो अनलिमिटेड ग्रोथ शो करेगा जबकि जो साइमोस है साइमोस अपनी जिंदगी में बहुत संतुष्ट है वो कह रहा है मुझे बड़ा घर नहीं चाहिए मैं इसी घर में बहुत हैप्पी हूँ यानी कि मेरा जो पिडंकल है मेरा जो पिडंकल है वो लिमिटेड ग्रोथ शो करेगा मुझे फर्स्ट नहीं आना है जिंदगी में ये कहते हैं मुझे फर्स्ट नहीं आना है मैं खुश हूँ है ना आई एम सेटिस्फाइड तो अपने ज्यादा क्यों ग्रो करे इतनी टेंशन क्यों ले उसका लिमिटेड ग्रोथ शो करेगा देन बेटा रेस मोस में क्या होता है जो फ्लार है वो कभी भी टिप पे नहीं आएगा स्टेम की टिप पे नहीं आएगा यानी कि मान लीजिए अगर ये सीन है ये आपकी स्टेम की एक्सेस है मेन एक्सेस मान लीजिए ये क्या है आपके स्टेम की लेटरल ब्रांचेस हैं तो आपको याद रखना है कि फ्लावर कभी भी टिप पर नहीं आएगा मैंने क्रॉस लगाया टिप पर नहीं आएगा ना मेन एक्सेस के टिप पर आएगा ना ही लेटरल ब्रांच की टिप पर आएगा यहां फ्लार नहीं आएगा तभी मैं क्रॉस लगा रही हूँ तो फ्लार कहां आएगा भैया फ्लार यहां आएगा यार ये रहा तुम्हारा फ्लार ये रहा तुम्हारा फ्लार ये रहा तुम्हारा फ्लार ठीक है तो फ्लार विल नेवर कम ऑन टिप ओके जी सो so, यहां पर हम लिखेंगे फ्लावर नेवर ऑन टिप्स ठीक है जी जबकि अगर इस केस में बात करें इस केस में बात करें तो क्या सीन है फ्लार हमेशा हमेशा किस पे आएगा टिप पर आएगा मेन एक्सिस भी आ सकता है और लेटरल ब्रांच के टिप पर भी आ सकता है ठीक है थीके? फ्लार ऑन टिप्स ठीक है अब अरेंजमेंट आता है बेसीपिटल या फिर एक्रोपिटल एक फ्लावर ऐसा है एक अरेंजमेंट ऐसा है जिसमें जो यंग पत, यंग फ्लावर है वो बेस के नजदीक आएगा दैट इज बेसिपिटल देखो ये जो नाम दिया गया ना बेसिपिटल या एक्रोपिटल ये यंग पत्ती के हिसाब से दिया गया देखो बूढ़े ने तो वैसे ही मर जाना है उसने गिर जाना है तो इंपॉर्टेंस किसको दी जा रही है यंग पत्ती को दी जा रही है तो यार यंग अगर बेस पे है तो बेसिपिटल नाम आएगा यंग अगर ऊपर है तो एक्रोपिटल नाम आएगा इन केस ऑफ रेसमोस इन केस ऑफ बेटा जी रेसमोस अगर हम देखें तो यार इसमें पता है क्या सीन है यंग ऊपर है ऐसा सीन है ये देखिए आपको पता है फ्लार ने टिप पे तो आना नहीं है टिप पे तो आना नहीं है तो यानी कि ये जो बूढ़ा फ्लार है वो यहाँ है ये बूढ़े हैं और जो अपना यंग वाइब्रेंट फ्लार है वो ऊपर ठीक है तो यार ये यंग है यंग ऊपर है और बेटा जी ये फ्लार है अपना ओल्ड ये है ओल्ड इस इस अरेंजमेंट को बेटा क्या बोलते हैं आक्रोपिटल यंग के हिसाब से बोलना है ना आक्रोपिटल तो रेसमोस में कैसा अरेंजमेंट है आक्रोपिटल अरेंजमेंट है जबकि अगर बात करें साइमोज की साइमोज की बात करो यहाँ पे फ्लार ने आना है बिल्कुल टिप पे हाँ जी यहाँ पर जो यंग फ्लार है यंग फ्लार किस कलर से बनाया है ओके कलर ढूंढना पड़ेगा हाँ जी जो यंग फ्लार है वो नीचे है ये देखिए टिप पर और जो बूढ़ा फ्लार है वो ऊपर है यस दिस इज द ओल्ड वन एंड दिस वन इज द यंग वन सो यंग नीचे बेस के पास है इसको अपने लोग बोलते हैं बेसी पिटल क्या बोलते हैं बेसी पिटल क्लियर हो गया सो दीज आर टू वेरी 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 इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ इंफ्लोरिसमोस रेसमोस रेस लगाता जा रहा है लंबा ही होता जा रहा है उसका पिडांकल दूसरी चीज इसका जो फ्लावर है वो टिप पर नहीं आता है वो बाकी की ब्रांचेस में आता है उधर साइमोस में देखे तो पिडांकल का साइज भी लिमिटेड है और फ्लार जो आएगा वो बिल्कुल टिप पर आएगा नेक्स्ट आता है यंग पत्ती किसके पास है यंग पत्ती दोनों के पास है लेकिन अगर रेसमोस की बात करें तो यंग पत्ती ऊपर है और इधर बात करें तो यंग पत्ती या ओल्ड ऊपर है ना यंग पत्ती कह रही हूँ यंग फ्लावर 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 है ना चलो एग्जांपल की बात कर लेते हैं एक और है, एक और चीज है एक और बेटा डिफरेंस है नेक्स्ट डिफरेंस है कि इन केस ऑफ रेसमोस इन केस ऑफ रेसमोस जो अरेंजमेंट है वो सेंट्रीपेटल है सेंट्रीपेटल का मतलब है कि मान लो फ्लावर ऐसा है ये कली है ठीक है इसमें जो सबसे बाहर वाला है वो पहले खुलेगा सबसे बाहर वाला पेटल पहले खुलेगा फिर उसके अंदर फिर उसके अंदर फिर उसके अंदर यानी कि या यहां जो अरेंजमेंट है वो कैसा है सेंट्री सबसे बाहर वाली पंखुड़ी पहले खुलेगी ठीक है और इधर क्या है उल्टा है मान लीजिए फ्लार है इसमें से जो सबसे बीच वाली पंखुड़ी वो पहले खुलेगी और फिर बाहर वाली खुलेंगी यानी कि या ये जो अरेंजमेंट है इसको बोलते हैं सेंट्री फ्यूगल ठीक है अंदर वाली पंखुड़ी पहले खुलना सेंट्रीफ्यूगल बाहर वाली पंखुड़ी पहले खुलना दैट ओके मोस्टली आपको कौन सी दिखाई देती है ही दिखाई देती है अगर यहां पर एग्जाम्पल्स की बात कर ले कर लें एग्जाम्पल की रुको वोटिकल में करते हैं हां जी टॉकिंग अबाउट द एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल बेटा मोस्टली ब्रासी फैमिली दैट इज मस्टर्ड हो गया देन वीट सनफ्लावर चाइना रोज मालवेसी फैमिली के जो हैं, चाइना रोज मेज ये आपकी एग्जांपल हो गई रेसमोस की यहां पर बेटा आपके आलू यानी कि सोलेनम ठीक है जैस्मिन और जो पिंक पिंक वाले फ्लावर्स वाला होता है ना बॉगन वेलिया जो घरों के बाहर लगा होता है ओके okay, बेटा ओके okay. याद हुआ मेरे साथ पंखुड़ी के लिए लीला पटेल पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो यार कौन सी पंखुड़ी और कौन सा लीला पटेल ये बताओ है कितना निमोनिक याद करोगे यार कितना निमोनिक याद करोगे हद मत करना यार हद मत करना चलो फोटो देख लेते हैं यहां से अस सी ओके फाइलोटैक्सी देख लो यार देखो जो एग्जाम्पल एनसीआर ने दिए है वो तो आपको करनी करनी है पहला ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी लीफ वाले में जा रहे हैं एक बार फिर से ये देख रहे हैं इधर देख रहे हो ऑल्टरनेट एक नोड के पास एक ही पत्ती है फिर एक नोड के पास एक ही पत्ती है ठीक है है दैट इज चाइना रोज देन आ जाइए बेटा बी वली, बी वाली वाली कौन सी है आपकी गोवा दैट इज एक नोड के पास कितनी पत्ती दिख रही है दो एक इधर और एक इधर ठीक है दिस इज ऑपोजिट फाइलोटैक्सी और फिर बेटा यहां पर पूरा गुच्छा है एक नोड के पास बहुत सारी पत्तियां और पूरा गुच्छा बना रही है दैट इज वर्ल्ड फाइलोटैक्सी दैट इज एलस्टोनिया फिर नीचे एग्जाम्पल देखिए एग्जाम्पल देखिए यहां पर पी प्लांट में टेंड्रिल्स में मॉडिफाई हो रही है आपकी लीफ देख ही रहे देन बेटा कैक्टस में देखिए लीफ इज मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस ठीक है ओपंशिया में देन बेटा यहाँ पर जो तुम प्याज में खा रहे हो वो उसकी फ्लैशी लीव्स जी हैं उसकी स्केली लीव्स हैं जो कि मोडिफाई होके मोटी हो चुकी हैं अब यार यहाँ पे इन फ्लोरसेंस देखिए पहला है रेसमोस जो रेस लगाता जा रहा है कि मुझे बड़ा होते जाना है ये देखो बड़ा होते जा रहा है दूसरा बेटा रेसमोस के अंदर जो फ्लार है वो टिप पर नहीं आएगा आप देखो टिप पर फ्लार नहीं है साइडों पर ही है लेट्रल ब्रांचेस में ही इधर से फ्लार आ रहा है

हम उन सवालों को यहां पर करके जाएंगे हम उन सवालों को बेटा जी यहां पर करके जाएंगे सो विद विद दिस नाउ वी आर डन डन आवर गोल गोल अब हमारे लेक्चर का second goal done है आज मेरे दो गोल तीन गोल्स थे जिसमें से मैंने दो तो कर लिए हैं अभी तक हमने क्या कर लिया पत्ती कर ली हां जी बच्चों यस बोलो मेरे साथ पत्ती हो चुकी है इनफ्लोरेसेंस हो चुका है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द इनफ्लोरेसेंस एक्सिस अब हम लोग शुरू करने वाले हैं फ्लावर ठीक है हां जी फूलों का दिन था रोज डे पे करना चाहिए था हमने बट अपने आज कर लेते हैं चलो कोई बात नहीं हां जी बच्चों आ जाओ फ्लार पे बड़ा मजा आएगा फ्लार का बहुत सारा हिस्सा आप ऐसा में, में मेरे साथ कर चुके हैं कोई बात नहीं रिपीट करते हैं हां जी बच्चों कर चुके हैं चलो आ जाओ फ्लार फ्लार क्या होता है फ्लार इज अ कंडेंस्ड एंड मॉडिफाइड शूट कंडेंड हुई और मॉडिफाई हुई शूट है फ्लार बेटा वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का क्वेश्चन यहीं से आना है वहां से भी आ सकता है रूट वगैरह मोडिफिकेशन में से आता है बट यहां से भी आता है फ्लॉर बनाई क्यों है फ्लार बनता है रिप्रोडक्टिव फेज में फ्लार एक्ट्स एज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट जब प्लांट को रिप्रोडक्शन करना होता है पॉलिनेशन करनी है फिर आगे आ, फ्रूट बनाना है बीज बनाना है तब यार फ्लार क्या करता है रिप्रोडक्शन यानी कि फ्लार एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है

ठीक है सैम को मिला फ्लोरिजन सैम मॉडिफाई होकर क्या बन गया फ्लोरल मेरिस्टम और वहां से फ्लार बन गया ठीक है फ्लोरल मेरिस्टम बनना जरूरी है ना वहां से क्या बन गया आपका फ्लार बन गया अगर एक फ्लार के हिस्सों के बारे में बात करें कि फ्लार के पास कौन कौन सा पार्ट है तो सबसे पहले बेटा फ्लार के पास होती है डंडी ये डंडी ठीक है दिस डंडी इज कॉल्ड एज पेडिसल पेडंकल नहीं है पेडिसल है इस डंडी को हम लोग क्या बोलते हैं और फ्लार के ऊपर 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 का का हिस्सा हिस्सा थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा है, है ना? के का हिस्सा थोड़ा मोटा है, है। ना? के फ्लार के के इसी सारे पार्ट्स होंगे इस फ्लैशी पार्ट को मोटे हिस्से को क्या बोलेंगे थैलमस बोलेंगे इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिसेप्टिकल कॉल्ड एज रिसेप्टिकल ठीक है बच्चों?

एक ही साइड का बनाऊंगी जो ब्यूटीफुल पत्तियां है ना कभी लाल रंग की कभी नीले रंग की कभी वाइट की कभी येलो की है ना दैट इज कॉल्ड एज पेटल अब यार ये जो सेपल और पेटल है ये असली में ना वेस्ट टाइप ही है वेस्ट तो नहीं बोलेंगे बट रिप्रोडक्शन में इनका रोल खासा नहीं है इनको बोला जाता है नॉन असेंशियल या फिर एक्सेसरी वर्ल्ड क्या बोलते हैं नॉन असेंशियल या फिर ये दोनों क्या है एक्सेसरी वर्ल्स हैं एक्स्ट्रा है मतलब एक्स्ट्रा डायरेक्ट रोल प्ले नहीं करते हैं रिप्रोडक्शन है जैसे कि ये देखो, ये देखो बेटा male वाला पार्ट आया Stamen. हां जी, क्या बोला इसको मैंने स्टेमन बोला देन बेटा जी ये फीमेल वाला पार्ट आया. याद है ये तो यार तुमने पढ़ा हुआ है दिस इज कॉल्ड एज कार्पल दिस इज कॉल्ड एज कार्पल और पिस्टल ये जो वॉल है ये एक्चुअल में रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करते हैं डायरेक्ट रोल प्ले करते हैं सो आर कॉल्ड और रिप्रोडक्टिव वो एक्सेसरी थे ये रिप्रोडक्टिव है असेंशियल और रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड यस बच्चों, नॉन असेंशियल सेपल पेटल और असेंशियल में आपके पास स्टेमन एज वेल एज कार्पल पार्ट कार्पल इज अल्टली का classification करेंगे. बहुत सारे तरीके का classification है. एक दो तीन बहुत सारा देन अपने केलिक्स और करोला पे एक एक पार्ट करके आएंगे तो पहले टाइप्स ऑफ फ्लार कर लेते हैं ठीक है जी टाइप्स ऑफ फ्लार कर लेते हैं हां जी आ जाओ कई बार पता क्या होता है बेटा कई बारी कई बारी कहा आ गए हाँ कई बार बेटा पता है क्या होता है कि फ्लावर के पास ये जो पेडिसल है या फिर स्टॉक है ये होती नहीं उस फ्लार को बोले, है इज गोइंग टू बी कॉल्ड जैसे एनिमल्स में ससाइल नहीं यूज करते अटैच टू दबस्ट्रेटम ये भी बेचारा ऐसे ही हो जाएगा अगर इसकी पेडिसल नहीं है तो, तो यहां पर लिख लेते हैं इफ उस फ्लार को तुम लोग क्या बोलोगे से वर्ड यूज होता है यहां पर भी आपका वर्ड यूज होता है सेसाइल ठीक है जी बच्चों साथ साथ याद करते जाइए ओके मूव ऑन मूविंग ऑन टू टाइप्स ऑफ फ्लार बहुत सारे क्लासिफिकेशन कराओगे क्लासिफिकेशन नंबर वन सो मूविंग ऑन टू टाइप्स ऑफ फ्लार्स हां जी दो तरीके के फ्लावर्स हैं कंप्लीट एंड इनकंप्लीट बड़ा सिंपल है कंप्लीट मतलब जिसके पास चारों वॉल्स होंगे केलिक्स करोला स्टेमन और कार्पल और इनकम्प्लीट वो जिसके पास चारों में से कोई ना कोई एबसेंट होगा ठीक है सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज वेरी बेसिक इसमें आ जाएगा कंप्लीट फ्लार और इनकम्प्लीट फ्लार कंप्लीट और इनकम्प्लीट कंप्लीट फ्लार बेटा जी वो होगा जिसके पास इट हैज ऑल द फोर वर्ल्ड चारों के चारों वर्ल्ड होंगे वो कंप्लीट है अगर किसी के पास एक भी एबसेंट हुआ सो इफ एनी वन आउट ऑफ फोर इज एबसेंट दैट इज कॉल्ड एज इनकंप्लीट इनकम्लीट किस में होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स भैया जो यूनिसेक् फ्लावर है उनके पास या होगा होगा या एंड्रोशियम है ना तो इनकम्प्लीट वर्ल्ड आपको किसमें दिखते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में ठीक है बच्चो किसमें दिखेंगे यूनिसेक् फ्लावर्स में मानते हो कि नहीं मानते हो हाँ जी. देख लो लर्न करो यस ओके सो दिस इज वन टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन मूविंग ऑन टू सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इसके लिए हम अगला पेज ले लेते हैं हां जी टाइप्स ऑफ फ्लावर्स तीन तरीके के मैं बताऊंगी फिर से पहला हम लिखेंगे फर्स्ट वन इज डाइक्लेमाइडियस देन मोनोक्लेमाइडियस एंड एकमाइडियस ए क्लेमाइडियस डाई क्लेमाइडियस डाई का मतलब है दोनों मोनो का मतलब है वन ए का मतलब है एबसेंट क्लेमाइडियस बेटा वो कंडीशन है जिसमें आपके पास सेप्पल भी प्रेजेंट है और बेटा पेटल्स का गुच्छा भी प्रेजेंट है दोनों प्रेजेंट है ठीक है यानी कि दोनों वर्ल्ड हैं सेपल का एक अलग वॉल है जिसको बोलते हैं केलिक्स पेटल का एक अलग वॉल है जिसको बोलते हैं कोरोला तो याद रखना है सेपल के वॉल को क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं कोरोला अगर दोनों प्रेजेंट हैं तो वो क्या हो जाएगा डाइक्लेमाइडियस डायक्लेमाइडियस यानी कि दो दूसरे में आ जाता है मोनो मोनो यानी कि एक एक कैसे होगा यहां पर बेटा जी जो अपना सेपल और पेटल है ना वो फ्यूज है यस सेपल एंड पेटल दोनों फ्यूज होकर एक ही बना लिए और क्या बना लिए उसको बोलेंगे टेपल क्या बोलेंगे बच्चों टेपल अब सेपल जब गुच्छा बना रहे थे तो वो था केलेक्स जब गुच्छा गुच्छा बना रहे थे तो वो था करोला तो ये जब टेपल गुच्छा बनाएगा तो उसको क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे पेरियंथ यस टेपल का जो अरेंजमेंट है इसके अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं अपन लोग पेरियंथ ठीक है सबका अरेंजमेंट याद रखना है एक इंपॉर्टेंट टर्म है और

ये आपके ल, अनियन और गार्लिक वाली फैमिली लिली एसी ये फैमिली ठीक है ग्रामीण में आपके क्या आ जाएंगे सीरियल आ जाएंगे पोएसी भी बोलते हैं इसको और अपने लिली में क्या आ जाएंगे लिली एसी में अनियन गार्लिक लिली ये सब किस में आ जाते हैं मोनोक्लेमाइडियस में ओके जी ये वाला पता चला सबको डाय दोनों होना मोनोक्लेमाइडियस दोनों का फ्यूज होके एक बन जाना और एक एकमाइडियस यानी कि कुछ भी ना होना हां जी बच्चों बच्चों

ऑन बेसिस ऑफ किसका नंबर ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स ठीक है नंबर के हिसाब से तो कौन कौन से बताएंगे यहां पर आ जाएगा ट्राई मैरस ठीक है कितने ट्राई यानी कि तीन तीन सेपल या पेटल होंगे और मल्टीपल ऑफ थ्री मल्टीपल ऑफ थ्री और क्या हो सकते हैं टेट्रा इतना एग्जाम्पल याद करने का कोई जरूरत नहीं है नहीं पूछते हैं चार या फिर मल्टीपल ऑफ फोर देन हो सकते हैं पेंटामेरस पेंटामेरस पेंटा यानी कि पांच कितने होंगे पांच या फिर मल्टीपल ऑफ फाइव मोस्ट कॉमन कौन सा है मोस्ट कॉमन आपका पेंटा वाला है मोस्ट कॉमन जी बेटा अभी कह रहे हैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म बेटा बताने वाली हूं बहुत इंपॉर्टेंट टर्म इस इंपॉर्टेंट टर्म का नाम है ब्रैक्ट यस yes. क्या नाम है इसका ब्रैक्ट तो इस हिसाब से ना फ्लार या ब्रैक्टिएट होते हैं या ई ब्रैक्टिएट होते हैं अब ये ब्रैक्ट क्या होता है ब्रैक्ट होता है बेटा अगर पेडिसल से नीचे जहां पर फ्लार यू नो अटैच है आपकी पेडिसल इज अ स्टॉक जिससे वो आपकी स्टेम से अटैच है अब पेडिसल के बेस पे जो लीफ लाइक -like स्ट्रक्चर निकलता है उसको बोलते हैं ब्रैक्ट लेट मी शो हाउ इट लुक्स लाइक जैसे मान लीजिए बेटा ये अपनी स्टेम की एक्सेस है ठीक है यहां से निकला अपना पौधा फ्लार ये अपना फ्लार है ये beautiful सा फ्लावर है ओके okay? अब इसके बेस पर यहां पर ये बेटा पेडिसल है, पेडिसल के बेस पर तुमको क्या मिला ऐसे छोटा सा ना लीफ लाइक स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इट इज कॉल्ड एज ब्रैक्ट ओके तो इसका क्या नाम रख देंगे अपने ब्रैक्ट नाम रख देंगे ठीक है तो इस हिसाब से अगर ब्रैक्ट मौजूद है तो यार फ्लावर हो जाएगा ब्रैक्टिएट ब्रैक्टिएट अगर ब्रैक्ट नहीं है तो क्या हो जाएगा ई e ब्रैक्टिएट इसको फ्लोरल फार्मूला बेटा कल वाली क्लास में सिखाऊंगी कैसे लिखते हैं डिनोट कैसे करेंगे इसको डिनोट करेंगे बी आर डॉट बी आर डॉट लिखाओ मतलब ब्रैक्टिएट फ्लार है अगर यहां पर लिखाओ फ्लोरल फार्मूला में ई बी आर डॉट ई बी आर डॉट दैट इज गोइंग टू बी ई ब्रैकटीएट ओके हाँ स्ट्रेस तो बढ़ेगा ही बेटा श्रीशा कह रही मैम सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा टेस्ट स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ रहा है डेली किस तरीके से पढ़े थोड़ा बता दीजिए और कुछ नहीं हो पा रहा प्लीज टेल मी सबसे पहले तो बेटा ये छो, बोलना छोड़ दो कि कुछ नहीं हो रहा तुम लोग यू you नो know, ये जो टाइम है ना ये कुछ भी सोचने का नहीं है अभी मत सोचो कि नहीं हो रहा क्या होगा क्लियर होगा नहीं होगा सिलेबस होगा नहीं होगा अभी बस ना गोल्स के हिसाब से बढ़ते जाओ जितना हो पा रहा है 50 परसेंट अचीव करो 70 परसेंट अचीव करो 90 परसेंट बट एटलीस्ट स्टार्ट अगर आप अभी से अपने आप को स्ट्रेस लेवल में घुसा दोगे तो यार 50 क्या तुम 10 परसेंट भी अचीव नहीं कर पाओगे अपना तो अभी एक गाइडेड फॉर्म में गोल्स को फॉलो करते जाओ छोटे छोटे गोल्स बनाओ जैसे फिजिक्स सब सबको सबको डिफिकल्ट लगता है फिजिक्स के लिए क्या करो फिजिक्स के लिए सबसे आसान वाले चैप्टर जो कि हाई वेटेज है आपका यूनिट एंड डायमेंशन है आपका ये मॉडर्न फिजिक्स है इसको निपटा दो वेट मत करो बस निपटा के छुट्टी फिजिक्स के वो चैप्टर का वन शॉट अटेंड किया उसके पीवाई क्यों करे चलिए मूविंग टू नेक्स्ट चैप्टर मूविंग टू नेक्स्ट चैप्टर बायो में बस तुम मेरे साथ साथ ये रिवीजन करते जाओ अभी एक नहीं दो बारी हम रिवीजन कर डालेंगे बिफोर सेवेंथ ऑफ में बायो में तुमको और कुछ देखने की जरूरत नहीं है जस्ट अटेंड द लाइव क्लास ऑफ यूट्यूब एंड फॉलोड बाई क्वेश्चन स्पेशल क्लास इससे ज्यादा बायो में कुछ ना ही आता है ना ही आपको करने की रिक्वायरमेंट है देन कम्स केमिस्ट्री केमिस्ट्री में बेटा फॉर्मूलाज के हिसाब से करें फिजिकल केमिस्ट्री फॉर्मूला है देन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा आपके बेसिकली अरेंजमेंट्स है थोड़ा बायो की तरह बट उसमें भी काफी लर्न करना पड़ता है रिएक्शन को बारी बारी रीड करो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यानी कि अब जिसमें से सिलेबस ज्यादा आना है पेपर ज्यादा आना है वो वाला सिलेबस आप पहले कंप्लीट करिए इफ वी टॉक अबाउट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बायो की टेंशन तो मुझ पे छोड़ दो यहां पर इसी लाइव क्लास में एक नहीं बेटा मल्टीपल टाइम्स में सिलेबस पूरा करूंगी और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको फिर से रटवाऊंगी तुम्हें क्या लगता है मोरफो एक बार ही होगा नहीं इस मॉर्फो को हम अप्रैल में दोबारा भी करेंगे तब एक दिन में करेंगे नोट्स अपने यही रहेंगे लेकिन बेटा अपने इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करने वाले हैं मैं तुम्हें एक ब्यूटीफुल वन वन पेज नोट्स भी दूंगी लेकिन अभी नहीं दूंगी तब दूंगी तो यार अभी जो फोकस है बायो के लिए बस ये क्लास

फ्लावर किस तरीके से अरेज है आपको एनिमल किंगडम याद है एनिमल किंगडम में हमने एक सिमेट्री करी थी रेडियल सिमेट्री जैसे हाइड्रा की होती है सिलेंड्रेटा की होती है कि सिलेंडर एक ऑर्गेनिज्म है और उसको तुम कितने भी भागों में इक्वली डिवाइड कर सकते हो बस एक ही कंडीशन है द प्लेन ऑफ डिविजन शुड पास थ्रू सेंटर याद आया याद आया कि नहीं आया फिर अपने ने करी थी हमारे वाली बायलैटरल सिमेट्री दैट वी कैन डिवाइड ऑर्गेनिज्म इनटू इक्वल हाफ्स बाय ओनली वन प्लेन वन एक्सिस एक ही जगह से डिवाइड करोगे तभी इक्वल होंगे जैसे कि हम बायलैटरल सिमेट्री एंड देन हमने किया था ए सीमेट्रिकल अमी डिवाइड ही नहीं हो सकता था कहीं से भी काटते फिरते रहो वैसे ही फ्लार में भी सिमेट्री है भैया इसमें भी रेडियल है बायलेट्रल है एसिमेट्रिकल है है ना तो बात कर लेते हैं सिमेट्री बाकी मतलब सेम ही है अब फ्लार को काटना है अब बेटा ऑर्गेनिज्म को नहीं काटना ये क्यों नहीं चल रहा मुझे लग रहा है पेंसिल ने जवाब दे दिया है हाँ पेंसिल ने जवाब दे दिया बेटा जीरो परसेंट हो गई है एक मिनट लगेगा इसको कम से कम तीस परसेंट होने में हाँ जी तो तीन तरीके की सिमेट्री है रेडियल यानी कि कि यानी किफिक एंड तीसरा आपका रहेगा एसिमेट्रिकल ठीक है एसिमेट्रिकल लिखो लिखो चलो वन परसेंट तो होगी होगी मैं लिखती हूं यस सो फ्लावर सिमेट्री ये भी इंपॉर्टेंट है इस पर सवाल आ जाता है सिमेट्री ऑफ फ्लावर कि फ्लावर को अपने को काट के देखना है कि इक्वल भागों में डिवाइड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो अगर कर सकते हो तो कितने प्लेन में कर सकते हो तो वन टू थ्री पहला रेडियल वाले को क्या बोलते हैं एक्टिनोमोर्फिक एक्टिनो ठीक है दैट इज द रेडियल सिमेट्री नेक्स्ट आता है Zygomorphic. ये अपने एनिमल वाली भाषा में बाइलेट्रल सिमेट्री है नेक्स्ट आता है आपका ए इसको तुम इक्वल भागों में डिवाइड ही नहीं कर सकते हो तो तीन हमने हाँ रेडियल कौन कौन और एसिमेट्रिक चलो एक्टिनो पे आते हैं यू कैन डिवाइड फ्लार ये देखो मान लीजिए आप इस फ्लार को इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो कितने मर्जी हिस्से बना लो लेकिन शर्त ये है कि जो प्लेन ऑफ डिविजन है वो सेंटर से पास होना चाहिए है ना रेडियस के सेंटर से पास होना चाहिए यानी कि यहां पर मैं कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स हाफ्स है ना कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाँ जी आसानी से उसको डिवाइड कर सकते हो कितने प्लेन फ्रॉम एनी प्लेन कहीं से ले लो बस एक कंडीशन याद रख लेना फ्रॉम एनी प्लेन और ये प्लेन हाँ यार आज मैं एक चीज कहना भूल गई बताओ मैं कौन सी चीज भूल गई जब तक मैं लिख रही हूं बताना कौन सी चीज भूल गई एक चीज भूल गई अभी जस्ट याद आया यस कौन सी चीज भूली हूं किसको याद है यस 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 एक चीज भूल गई हूं मैं हाँ ना 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 एक चीज में भूल गई इधर जो फ्लावर है इट कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ ओनली वन प्लेन यस यहां भी इक्वल हाफ हो सकते हैं जो मैं भूल गई वो कर ही दो आधे बच्चों को याद आ गया है यस yes. आज मैं दो चीजें कहना भूल गई एक नहीं दो चीजें कहना भूल गई पहला जो मैं हमेशा कहती हूँ कि यार सेशन को लाइक ही कर दो कितना कहलवाओगे है आज मैं भूल गई तो तुम ऐसे करोगे तुम ऐसे करोगे करोगे ही नहीं लाइक कैसे चलेगा फिर कैसे लोगों तक तो ये सेशन पहुंचेगा बताओ फ्री में मैं इतना अच्छा कोशिश कर रही हूँ कि जो बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता कहीं भी दो हजार दो तीन हजार किसी का सब्सक्रिप्शन अफोर्ड नहीं कर सकता उस बच्चे तक तो कैसे पहुंचेगा तो लाइक कर दो पहले तो लाइक करो फिर आगे बात करेंगे करा नहीं है तुमने मुझे दिख रहा है जितने बच्चे प्रस्तुत है उससे कम लाइक्स दिख रहे हैं तो तुमने करा नहीं है हाँ जी फटाफट फट से कर दो यस yes, नहीं किया नन 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 पॉइंट फाइव होना चाहिए अभी क्या अभी? ए सीमिट्रिक डिवाइड ही नहीं कर सकते कैन नॉट बी डिवाइडेड अब बेटा सवाल आएगा इनके एग्जाम्पल्स में किस में सवाल आएगा इनके एग्जाम्पल में देखिए ये जो अपना है ना बड़े सारे एग्जाम्पल है इसमें मैं एग्जाम्पल में बेटा मेंबर्स लिखूंगी आपकी ब्रासिक एसीए फैमिली आती है जिसमें आपका मस्टर्ड आता है फिर आपकी सोलेनम सोलेनेशिया फैमिली आती है जिसमें ब्रिंजल दतूरा ये सब आते हैं तो कमिंग ऑन टू द एग्जाम्पल्स फटाफट से लाइक करो हो गए हाँ अब दूसरी चीज़ बताती हूँ बेटा अब दूसरी चीज़ बताती हूँ जो मैं भूल चुकी हूँ दैट इज पी लेके आए थे आज पीपीएफ लाए थे बताओ

तीन एग्जाम्पल लर्न कराए चाइना रोज लेडी फिंगर भिंडी और अपना कॉटन ठीक है ये आपके होते हैं एक्टिनोमोर्फिक देन अपने आते हैं जाइगोमोर्फिक पे जाइगोमोर्फिक की एग्जाम्पल क्या रहेगी लेग्यूमिनेशियो फैमिली लेग्यूमिनेशियो और चार एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं कौन सा मटर बीन्स केशिया और गुलमोहर केशिया और गुलमोहर है ना बच्चों केशियर गुलमोहर नेक्स्ट आता है अपना एसिमेट्रिक समेट्रिक एमेट्रिक में क्या ना ओके okay, तो ये एग्जाम्पल्स हो गई आपके फ्लार के की सिमेट्रिकी एक्टिनोम एंड एसिमेट्रिकल सीमेट्रिकल वेरी इजी वेरी वेरी इजी क्वेश्चन एग्जाम्पल्स में बहुत फोकस करिएगा मस्टर्ड में है चिली में है दतूरा में है और किस में है हाँ मालवेशिया लिली एसी ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा है मैं आपको बताती हूँ एनसीआरटी में कौन कौन से एग्जाम्पल है एनसीआरटी में तीन है मस्टर्ड है दतूरा है और चिली है बाकी मैंने तुम्हारी नॉलेज के लिए लिख दिया है देन बेटा इसमें एनसीआरटी में पी है बीन्स है केशिया है गुलमोहर है चारों है पी बीन्स केशिया और गुलमोहर हां जी नेक्स्ट क्या ना ओके अगर तुम्हें एक्टिनोमॉर्फिक आ जाए तो यार इसका सिंबल पता है क्या होता है एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल होता है प्लस गोलेंडे में ये सिंबल है कल यूज करेंगे जाइगोमॉर्फिक फ्लावर का सिंबल होता है परसेंटेज क्या होता है परसेंटेज देख लिया लिख लिया और कितनी देर क्लास है थक गए क्या मेरी क्लास में बेटा थकना मना है क्योंकि अगली चीज हम बड़ी इंपॉर्टेंट करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो बच्चे थक जाते हैं यार वो जा सकते हैं मैं किसी को पकड़ के तो बिठाती नहीं हूं है ना मैंने तो कभी नहीं कहा कि यार यहाँ आओ और बैठे रहो जचे रहो दो घंटे तक मैं भी तो खड़ी हूं यार आई एम स्टैंडिंग फॉर लास्ट कितने मिनट्स हो गए अपने को एट्टी मिनट्स मुझे पता है तुम लोग नोट का ही वेट करते हो बस नोट आ जाए उसी से कर लेंगे अब लिखे लिखेंगे नहीं बट अगर आज तक आपने एक बारी भी नोट नहीं बनाए तो अभी बेटा आपको बना लेने चाहिए इसके इन्हीं नोट से अपन लोग बाद में रिवाइज करेंगे ठीक है आग वाग तो निकाल देते हो लेकिन एनर्जी तुम में है नहीं खाना वाना नहीं खाते हो क्या डेंट यू डू योर ब्रेकफस्ट प्रॉपरली क्या खाया था आज है क्या खाया था जो तुम में एनर्जी नहीं है एक घंटा बैठने की भी एक ही घंटा हुआ है अभी इफेक्टिवली बोला जाए तो एट्टी मिनट्स क्या ही होते हैं एक क्लास में बेटा ऑफलाइन में हम जब क्लास लेते थे ना वन आवर फोर्टी फाइव मिनट्स की फिक्स होती थी एवरी डे और वो बच्चे को बैठना पड़ता था स्पेशली ड्रॉपर के बारे में बताऊँ सुबह नौ बजे आता था वो दस बजे और दोपहर को तीन बजे जाता था उसकी क्लास होती थी कितने बजे से एक क्लास होती थी साढ़े दस से शुरू होके पौने एक तक और फिर एक क्लास चलती थी आपकी ढाई बजे तक ठीक है डेली दो दो तीन तीन क्लासेस लगाता था पौने दो घंटे की तुम कैसे बैठते वहां पर वहां तो कोई रिवाइंड का बटन भी नहीं है वहां टीचर रुकता नहीं है बेटा बस ब्लैक बोर्ड पे लाइन से लाइन से लाइन से, से बच्चा क्या कर रहा है उसे जिंदगी में कुछ करना है टीचर का लेना देना नहीं है तुम्हारा लेना देना तुमको पढ़ना होगा तुम भी नोट करते जाओगे नहीं पढ़ना होगा तुम नोट नहीं करोगे ठीक है ऐसा चलता है वहां कैसे सरवाइव करते हैं यहाँ तो बीच में बात करते हैं आपसे आपके डाउट्स लिए जाते हैं बात करी जाती है सुना जाता है आपको आपकी स्पीड के हिसाब से भी कई बार चल लेते हैं ठीक है तो थोड़े स्ट्रांग बनो बेटा स्ट्रांग बनो एम में सुबह नौ बजे से शाम को पांच बजे तक क्लास होगी कैसे लगाओगे है कैसे लगाओगे प्रैक्टिस हो रही है बेटा आपकी क्या हो रही है प्रैक्टिस हो रही है चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि जो थैलेमस है जो पेडिसल के ऊपर जो मोटा सा हिस्सा है थैलेमस या रिसेप्टिकल उसके ऊपर अपनी ओवरी जो है वो सुपीरियर है लड़कियों को महत्वता दी गई है सुपीरियर रखा गया या फिर इनफीरियर रखा गया उसके बारे में बात करते हैं इसमें से सवाल आना ही आना कि पोजिशन ऑफ फ्लोरल ऑन तो यहां पर अपने लोग क्लासिफिकेशन करेंगे किस पे पोजिशन ऑफ किसकी फ्लोरल पार्टस किस पे ऑन थैलमस ठीक है पोजिशन ऑफ फ्लोरल पार्टस ऑन स ओके जी हां जी तो करके देख लें, तीन तरीके की पोजीशन, ओहो बताऊंगी लड़कियों के बारे में बात हो गई ना पहला हाइपोगाइनस, फिर अपने करेंगे एपिगाइनस, और फिर अपने करेंगे पेरिगाइनस, गाइनस इंपॉर्टेंट यस ये एफ पी में भी शायद थोड़ा सा बताया था हाँ जी फर्स्ट वन इज गोइंग टू तो बी हाइपोगाइनस गाइनस गाइनेकोलोजी स्त्री रोग याद आया गाइनस यानी कि ओवरी की बात हो रही है लड़की वाले पार्ट की बात हो रही है देन आता है एपिगाइनस एपिगाइनस ठीक है एपिगाइनस एंड देन आता है आपका पेरिगाइनस समझो इसको ये बड़ा कंफ्यूजिंग है बच्चे जनरली इसमें मात खाते हैं बंदा सोचता है हाइपोगाइनस लिखा हुआ हाइपो यानी कि नीचे होता है तो अपनी जो लड़की वाला पार्ट है ना ओवरी है वो नीचे होगी इनफीरियर होगी न न न स का मतलब है कि ओवरी सुपीरियर है बाकी सब थल्ले थल्ले, बल्ले बल्ले किसकी है ओवरी की इन हाइपोगाइनस। तो यार यहां पर ये यह जो मान लीजिए ये अपना थैलेमस है ये थालेमस है ठीक है ये देखिए इसमें जो अपना ओवरी है वो बल्ले बल्ले है बाकी सब थल्ले थल्ले है तो ओवरी को बना दो सुपीरियर सबसे ऊपर है ये बैठी ओवरी ठीक है जी बेटा ये बैठी आपकी ओवरी बाकी सब थल्ले थल्ले बाकी बनाते जाओ ये अपना स्टेमन है ठीक है ये अपने पेटल है और ये अपने सेपल है यानी कि जो ओवरी है याद रखेंगे ये जो ओवरी है ये कैसी है सुपीरियर नाम पे नहीं जाना हाइपोगाइनस हाइपोथल्ले हाइपो थल्ले कौन आपके बाकी के पार्ट सुपीरियर ओवरी है ठीक है ओवरी का बल्ले बल्ले है इट ऑक्यूपाइज द हाइएस्ट पोजिशन हाईएस्ट पोजीशन किसके पास है ओवरी लड़कियां ऊपर है बेटा बोल मत देना बाकी के जो पार्ट्स है बाकी के जो पार्ट्स है रेस्ट ऑफ फ्लोरल पार्ट्स ये सब है? इनफीरियर है बिलो ओवरी है ओवरी के नीचे है तो बच्चे जनरली सोचते हैं हाइपोगा मतलब ओवरी थल्ले है ओवरी थल्ले नहीं है उल्टा है यहाँ पर बाकी पार्ट थले है ओवरी बल्ले है हां जी नेक्स्ट आ जाइए एपी एपिगाइनस में क्या सिचुएशन है तो ये बना लेती हूं लिखूंगी बाद में पहले बेटा बना देती हूँ हाँ बन आधी तो ऊपर लग रही है मुझे और आधी थैलेमस के ना अंदर घुस चुकी है देख रहे हो थैलेमस के अंदर घुस चुकी है यानी कि अब ओवरी थोड़ी सी थले थले हो गई है सो हेयर द ओवरी इज इनफीरियर ओवरी क्या है इनफीरियर लोएस्ट पे चल रही है लोएस्ट पे क्योंकि ये जो बाकी के पार्ट्स है ये देखो ये इससे ऊपर लड़का पार्ट स्टेमन ऊपर देन देन ये पेटल उपर, देन ये पेटल ऊपर सेपल भी ऊपर यानी कि जो पार्ट्स है, पार्ट्स, ये इनकी हो गई है आज बल्ले बल्ले कम ही होता है बेटा ऐसा कम ही होता है ठीक है फ्लोरल पार्ट की हो गई है बल्ले बल्ले ये सुपीरियर हो गए है. ओके तो एपिगाइनस में ओवरी थोड़ी थल्ले बाकी सबका बल्ले हां जी आ जाओ अब पेरीगाइनस पे स में लड़की कहती है अगर मैं जीतूंगी नहीं तो हारूंगी भी नहीं ड्रॉ कर लेते हैं मैच को क्या कर लेते हैं ड्रॉ कर लेते हैं हाँ जी तो मैं हूं मैं हूं लेकिन हाफ इनफीरियर हूं मैं कैसी हूं हाफ इनफीरियर हूं हाफ इनफीरियर ठीक है कहने का मतलब ये है कि कुछ पार्ट्स क्या होंगे ओवरी से ऊपर होंगे और कुछ पार्ट्स नीचे भी होंगे देख रहे हो मैंने स्टेमन ऊपर बना दिया और बाकी नीचे बना दी यानी कि सम फ्लोरल पार्ट्स, सम फ्लोरल इसमें लड़कियां दयालु हो गई हैं पेरीगाइनस में चलो दया दे दी तुम एक बंदा ऊपर हो लो एक बंदा नीचे मैं नीचे आ जाऊंगी ठीक है सम फ्लोरल पार्ट ओवरी एंड सम बिलो एंड कुछ पार्ट्स बिलो चल रहे हैं ओके ये हो जाएगा आपका पेरीगाइनस कंडीशन हाँ जी दोबारा देखो इसको तीन तरीके की अरेंजमेंट uh, हो सकता है फ्लोरल पार्ट्स का ऑन थैलमस पहला लड़कियां बल्ले बल्ले बाकी सब थल्ले थल्ले हाइपोगाइनस गाइनस लड़कियां थल्ले बाकी सब बल्ले ठीक है सब कुछ ऊपर है अपनी ओवरी क्या है इनफीरियर है फिर लड़कियां थोड़ी दयालु हुई चल ठीक है तुझे हारू हराऊंगी नहीं मैच को ड्रॉ कर लेते हैं एक बंदा ऊपर हो जाओ एक बंदा नीचे हो जाओ मेरे से दैट इज हाफ इन्फीरियर ओवरी अब आता है एग्जाम्पल पे सवाल हाँ जी हाइपोगाइनस का एग्जाम्पल सबसे ज्यादा यही है बेटा मैंने तुम्हें तो बताया लड़कियां बल्ले थोड़ा ज्यादा है मोस्ट कॉमन यही है मेंबर्स मेंबर्स ऑफ ऑफ फैमिली फैमिली दैट इज मस्टर्ड मस्टर्ड ठीक है family, जिसमें आपको पटेटो आता है ब्रिंजल आता है ब्रिंजल लिख लो क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है देन मेंबर्स ऑफ मालवेशिया फैमिली जिसमें तीन लर्न कराए थे बताओ चाइना रोज कॉटन और भिंडी लेडी फिंगर तो यहां पर मैं लिख देती हूँ चाइना रोज दैट इज हिबिस्कस चाइना रोज लेग्यूमिनेसी भी यहीं पे आती है नेक्स्ट आते हैं एपिगाइनस एपिगाइनस बेचारी ओवरी जो है वो थले थले हो गई है किसमें क्यूकुरबिट्स ये जो अपनी घटिया घटिया तुम्हें लगते हैं मतलब वैसे बड़े हेल्दी होते हैं दैट इज कद्दू वाटरमेलन पम्पकिन योर लौकी घिया ये सब यानी कि क्यूकुरबिट्स 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 में कौन आ जाएगा क्यूकुरबिट्स में आ जाएंगे आपके पम्पकिन कल लिखवाया था वाटरमेलन बारी बारी नहीं लिखूंगी बेटा एग्जाम्पल ओके देन एस्टरेशिया फैमिली के मेंबर एस्टरेशिय फैमिली के मेंबर लेटेस्ट कंपोजिट फैमिली के मेंबर एंड देन सनफ्लावर मैरी गोल्ड क्यूकम्बर क्यूकम्बर इधर ही आएगा क्यूकम्बर ठीक है जी गुआवा भी ऐड कर लो एनसीआरटी ने दिया हुआ है गुआवा हां जी पेरी गाइनस जिसमें मैच को क्या कर दिया अपने ड्रॉ कर दिया है इधर इसको याद करो पीच प्लम एंड रोज एग्जाम्पल याद करिए बड़ा इम्पोर्टेंट है हाँ जी बच्चों का एग्जाम्पल एग्जाम्पल में आ जाएगा आपका मस्टर्ड ब्रासिकेसिएन अगला एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा आपका सोलनेशिया में प्रेजेंट ब्रिंजल मालवेशिया में प्रेजेंट चाइना रोस ठीक है चाइना रोस मस्टर्ड निकले ब्रिंजल को लेके चाइना घूमने के लिए और वहां पर उस, उसने अपनी बीवी को दिया रोज कुछ भी बना सकते हो ठीक है नेक्स्ट आता है क्यूकुर जिसमें आपकी है और क्या आ जाते हैं आपके हाँ सनफ्लावर एंड गुआवा देन आ जाता है पेरीगाइनस पीच प्लम रोज पीच प्लम रोज ठीक है पी फॉर पेरीगाइनस जनरली इसके पी वाले ही है सारे पेरीगाइनस पी पीच प्लम दो तो याद ही हो गए तीसरा गुलाब क्या पेरी ने प्लम को पीच पे रोज दिया मतलब क्या है ये लेवल ऑफ न्यूमोनिक से से बेटा क्या? लाना था इस न्यूमोनिक पे कह रहे हैं पेरी ने प्लम को पीच पे रोज दिया बात बनी बात बनी चलो पेरी नाम का एक बंदा है ठीक है प्लम को ओके प्लम भी एक लड़की ले लेते हैं पीच पे पीच पे कैसे चढ़ सकते हैं बेटा वो पीच पे रोज दिया वाह कहाँ से लाए बेटा कहां से लाए पैरी ने प्लम को पीच पे रोज दिया सोचने वाला चलो ये भी बोल देता कि पैरी ने प्लम को पीच रंग का रो, रोज दिया ये बोल दो ना पीछ पीछ है ना पीच पे पीच के ऊपर चढ़ सकते हैं कौन से पीच पे चढ़ जाते हो बेटा है कौन से पीच पे चढ़ सकते हैं आप यस कहां से सीख के आयो ना 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 ऐसा नहीं <laughs> देखिए आपकी मर्जी है <laughs> आप इसको उससे याद करना चाहें कर लें मैं नहीं मानती हूं इतना ज़्यादा निमोनिक्स में क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस देखा है बच्चों का पिछले दस साल में दस साल का एक्सपीरियंस है उनको निमोनिक ये भूल जाता है कि किसका एग्जाम्पल था और क्या मतलब था अब जो पेपर आ रहा है ना बेटा वो आपके निमोनिक में से नहीं आ रहा अब जो पेपर आ रहा है आपको कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए आ रहा है सिंपली एग्जाम्पल नहीं आएगी आपको नम नाम भी पता होना चाहिए पैरी लिख लिया प्लम लिख लिया ये नहीं पता पैरी क्या था भूल गए पैरी क्या था पैरी में क्या लिखना था

कि जो फ्लावर है उसमें जो सेपल्स हैं वो कैसे अरेंज्ड है या पेटल्स कैसे अरेंज़ है क्या सेपल ऐसे ऐसे हैं साथ, साथ साथ या फिर वैसे ओवरलैप कर रहे हैं या उसमें से एक ओवरलैप कर रहा है और एक अंदर आ रहा है उस हिसाब का अरेंजमेंट दैट मीन एस्टिवेशन क्या होता है एस्टिवेशन होता है अरेंजमेंट ऑफ मोड ऑफ अरेंजमेंट मोड ऑफ अरेंजमेंट किसका ऑफ सेपल विथ रिस्पेक्ट टू सेपल या फिर पेटल विथ रिस्पेक्ट टू पेटल ठीक है अभी हम चार तरीके का एस्टिमेशन करेंगे तो मैं अगले पेज पर पे करना चाहूंगी क्योंकि जो डायग्राम है वो लंबा बनेगा चलो ये कर लेते हैं हां जी टाइप्स के बारे में बात करते हैं फोर टाइप्स ओके वन टू थ्री एंड फोर

कि यार हर पेटल अपना अलग है किसी के घर में वो इंट्रूड नहीं कर रहा है नो ओवरलैपिंग नो ओवरलैपिंग देखिए ये देखिए मैं यहाँ पे बना के दिखाती ये, ये, ये और सेपल्स हैं आपस में कोई ना किसी को ओवरलैप कर रहा है बस इनके मार्जिन टच होते हैं कोई ओवरलैपिंग नहीं है और कोई इंट्रूजन नहीं है यानी कि वेलवेट जो है वो सबसे बेसिक है इसमें देयर इज नो ओवरलैपिंग नो ओवरलैप ठीक है ओनली मार्जिन टच ओनली मार्जिन बेटा टच कर सकता है मार्जिन टच ये बेटा सेपल और पेटल दोनों में पाया जाता है सेप्पल और पेटल दोनों में होता है ठीक है सेप्पल और पेटल दोनों में पाया जाता है एग्जाम्पल के तौर पर बेटा इसमें देखे एग्जाम्पल चलो लास्ट में करते हैं पहले समझ लेते हैं क्या क्या है तो वेलवेट क्लियर हो गया जिसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं है और सिर्फ इनके मार्जिन टच कर सकते हैं ठीक है कोई ओवरलैपिंग नहीं है ट्विस्टेड में क्या सीन है ट्विस्टेड में क्या सीन है कि एक मार्जिन ओवरलैप कर रहा है जरा ध्यान दो एक मार्जिन बेटा ओवरलैप कर रहा है ये देखिए ये फिर इसका ये वाला मार्जिन ओवरलैप किया फिर इसका ये वाला मार्जिन ओवरलैप किया फिर इसका बेटा ये वाला मार्जिन ओवरलैप किया देख रहे हो देख रहे हो ध्यान से देखो इसका ये वाला मार्जिन क्या कर रहा है

ये ओवरलैप कर रहा है और ये अपना नीचे फंस जा रहा है हर एक में ऐसे देखो हर एक में ऐसे कि एक हिस्सा ऊपर एक हिस्सा नीचे है। इसमें भी एक हिस्सा ऊपर है एक हिस्सा नीचे है तो यहां लिख लेते हैं वन मार्जिन इज ओवरलैपिंग गेटिंग माई पॉइंट वन मार्जिन ओवरलैपिंग एंड अदर मार्जिन अदर मार्जिन ओवरलैप्ड जो कि ओवरलैप हो गया है ठीक है जी चलो

बाकी अपने ट्विस्टेड फैशन को फॉलो करते हैं बाकी जो हैं अपने ट्विस्टेड फैशन को फॉलो करते हैं ट्विस्टेड हो गया और बेटा ये वाला भी ट्विस्टेड हो गया समझ रहे हो समझ रहे हो यानी कि मान लो टोटल पांच है टोटल पांच है इसमें से एक जो है वो कंप्लीटली ओवरलैपिंग पूरा का पूरा ओवरलैप कर रहा है जो मैंने इस कलर से बनाया है सो इट इज कंप्लीटली ओवरलैपिंग देख रहे हो इसके दोनों मार्जिन ओवरलैप कर रहे हैं देन इस पिंक वाले को देखो देखो इट इज कंप्लीटली ओवरलैप्ड पूरा अंदर फंस गया कंप्लीटली ओवरलैप्ड ठीक है पांच में से एक पूरा फंस चुका है और एक पूरा ऊपर आ चुका है बाकी के तीन बाकी के तीन का एक मार्जिन नीचे फंसा है एक ऊपर है एक मार्जिन नीचे एक ऊपर है यानी कि जो रेस्ट थ्री ब्लू कलर से हैं, रेस्ट थ्री वो क्या है ट्विस्टेड है सेकेंड वाले जैसे है ट्विस्टेड है यस yes, बेटा चलिए तो जब तक मैं बनाऊंगी नहीं तब तक तुम्हें कैसे समझ आएगा चलो नेक्स्ट आ जाते हैं अपने पे. वेक्षिलरी. वेक्षिलरी इसी का ही मॉडिफिकेशन है, 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 है तो बनाओ, बनाओ, इसमें थोड़े से पार्ट्स आ जाएंगे तो यार एक इस कलर से बनाते हैं हां जी सो देयर इज वन पार्ट लाइक दिस इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इसको क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड देन बेटा दो इस तरीके से आएंगे और दो ऐसे यस yes. तो सबसे ऊपर वाला जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ये आपको क्या बोलेंगे आप इसको स्टैंडर्ड नेक्स्ट वाले बेटा इसके है विंग्स ये बेटा सिर्फ पेटल्स में ही होता है और ये वाला इसका क्या है कील या फिर कैरिना ओके स्टैंडर्ड जो है याद रखेंगे किस साइड पर है पोस्टीरियर बंदा सोचता है एंटीरियर साइड पे नहीं ये पोस्टीरियर साइड पे ये जो कील है ये कौन सी साइड पे है एंटीरियर जो सबसे बड़ा है द लार्जेस्ट पेटल अगर कोई तुमसे पूछे कि स्टैंडर्ड है विंग्स है या कील है तो तुम्हें दिख ही रहा है वैसे भी शक्ल में दिस वन इज द लार्जेस्ट पेटल पेटल ये ये जो सबसे सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है ये सबसे बड़ा petal है बड़ा और बेटा ये वाला सबसे स्मॉल है कील जो है वो स्मॉलेस्ट पेटल है ये सिर्फ किस में पाया जाता है पेटल में पाया जाता है ओनली पेटल्स में होता है ये अरेंजमेंट ओनली पेटल्स इसको बोलते हैं मॉडिफाइड इम्रिकेट को ही तुमने क्या कर दिया मॉडिफाई कर दिया एग्जाम्पल पेटल चलो एग्जाम्पल पहले बताओ ये कि नहीं पहले बताइए बेटा ये चारों समझ आए के नहीं आए हां जी पहला वॉलवेट वॉलवेट में कोई ओवरलैपिंग नहीं मार्जिन टच करेंगे दूसरा ट्विस्टेड एक हिस्सा ओवरलैप करेगा और दूसरा नीचे आ जाएगा ठीक है ऐसे ऐसे एक हिस्सा ओवरलैप करेगा और एक नीचे आ जाएगा दैट इज ट्विस्टेड देन आता है आपका ट्विस्टेडेट इम्रीगेट में एक पेटल तो ऐसा है जो पूरा ओवरलैपिंग है एक पेटल बिल्कुल ही धसा हुआ बाकी सब ट्विस्टेड है देन आता है वैक्सिलरी वैक्सिलरी इज आल्सो मॉडिफाइड जिसमें बेटा सबसे बड़ा आपको दिखाई दे रहा है स्टैंडर्ड सबसे छोटे कील स्टैंडर्ड वाला जो है वो पोस्टीरियर साइड पे कील जो है वो एंटीरियर साइड पे है बाकी ये जो दो है वो उसके विंग्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ पेटल में पाया जाता है चलो जी अब एग्जाम्पल लिखते हैं ये सेपल और पेटल दोनों में वॉल्वेट ट्विस्टेड भी जो है बोथ सेपल एंड पेटल बोथ 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 सेपल सेपल प्लस पेटल पेटल ये भी बेटा बोथ में होता है एंड ठीक है एग्जाम्पल लिख लें एग्जाम्पल लिख लें चलो नेक्स्ट पेज लेते हैं और उस पर एग्जाम्पल लिखते हैं मूविंग ऑन टू द एक्पल ऑफ वॉलवेट इधर अगर एग्जाम्पल लिखेंगे तो यार सोलनेशिया के दोनों हिस्सों में सोलनेशिया के सेपल में भी और पेटल में भी लेग्यूमिनेसी ध्यान देना लेग्यूमिनेसी जो पी वाली है लेग्यूमिनेसी के ओनली सेपल में क्यों क्योंकि लेग्यूमिनेसी के पेटल में तो लास्ट वाला है तो यहां एग्जाम्पल आ जाएगा पेटल्स ऑफ लेग्यूमिनेसी समझ गए इस पे सवाल आ जाता है कई बार कंफ्यूज करते हैं कि लेग्यूमिनेसी के अगर सेपल की बात करें तो वॉल्वेट है लेकिन लेग्यूमिनेसी के अगर पेटल की बात करें तो आखिरी वाला है दैट इज गोइंग टू बी वेक्सिलरी हां जी और एग्जांपल क्या रहेगी इसमें ब्रासी के सी दोनों में ब्रासी के सी ठीक है इसके सेपल में भी और पेटल में भी देन लिलीएसी के लिली एसी के सेपल और पेटल दोनों में क्या लाइन ठीक है गलत है लिली एसी के पास होते ही टेपल्स है टेपल्स में ओके चलो नेक्स्ट आता है ट्विस्टेड ट्विस्टेड का एग्जाम्पल मालवेशिये फैमिली याद कराया था मालवेशिये के सेपल और पेटल दोनों में तीन एग्जाम्पल चाइना रोज दाट इजिस्कस दूसरा क्या भिंडी लेडी फिंगर और कॉटन ठीक है ये जो लेडी थी ये कॉटन पहन के रोज देने चली गई देन एम्ब्रीकेट इम्ब्रिकेट में एग्जाम्पल आ जाएंगी आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है लेग्यूमिनेसी फैमिली के, केशिया गुलमोहर ये एक तरीके का ना एक्सेप्शन है है तो ये लेग्यूमिनेसी का लेकिन इसके जो सेपल और पेटल है वो इम्रिकेट शो करते हैं इसके सेपल और पेटल दोनों क्या शो करते हैं इम्ब्रिकेट देख रहे हो लेग्युमिनेसी का नाम तीन जगह आया है ध्यान दीजिए बेटा इधर भी लेग्यूमिनेसी है इधर भी है और इधर भी है एक्सेप्शन वाला लेग्युमिनेसी इम्ब्रिकेट में है ध्यान दो इधर जो है लेग्युमिनेसी के सेपल है वॉलवेट में इधर जो है वो लेग्युमिनेसी के पेटल है लास्ट वाले में आपके वेगजिलरी में एक्सेप्शन वाले दो लेग्युमिनेसी जिनके सेपल और पेटल दोनों इम्ब्रिकेट करते हैं दैट इज केशिया एंड गुलमोहर तो एक तरीके से लेग्यूमिनेसी का ये आपका एक्सेप्शन चल रहा है ठीक है एक्सेप्शन चल रहा है क्योंकि जनरली सेपल में वॉल्वेट होता है और पेटल में क्या होता है वेगजिलरी होता है तो एक एक्सेप्शन के तौर पर आपका इम्ब्रिकेट आ गया ओके okay? यस yes. तो हमने कब बोला कि कील बेटा इम्ब्रिकेट है है मास्टर पवन ये मिस्टर पवन को क्या हो गया बेटा हवा गलत रुख में जा रही है क्या आपकी ये कील कहाँ बनाया बैगजिलरी में तो बनाया किसने बोला इम्रिकेट में बेटा पवन भैया को क्या हो गया अरे एक मिनट रुको उल्टा बना दिया क्या एक मिनट रुक जाइए रुक जाइए हाँ जी रुको, रुको 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 ये कर लिया हमने ठीक तो है यार ठीक तो है क्या दिक्कत है क्या प्रॉब्लम है दिस इज वॉलवेट कोई आपकी ओवरलैपिंग नहीं है वॉलवेट देन देखो ट्विस्टेड जिसमें एक हिस्सा अंदर आ रहा है और एक हिस्सा ऊपर जा रहा है फिर एक हिस्सा ऊपर फिर एक हिस्सा अंदर ऐसा ही चल रहा है फिर बेटा इंब्रीगेट इम्ब्रीगेटेड बेटा एक पूरा अंदर धस जाएगा और एक पूरा ऊपर आ जाएगा बाकी ट्विस्टेड है सही तो है वैक्लरी देख लो ये अपने कील हो गए ये अपना स्टैंडर्ड हो गया ये अपने विंग्स हो गए वॉट इज द इशू

पूरा कवर करने वाला ये बना दिया ये देखो ये है। इनका पूरा कवर करने वाला और पूरा अंडरलैप होने वाला ये बना दिया तो इतना क्या डाउट हो गया ऊपर नीचे ही तो बनाया है बात तो एक है कि टोटल पांच अगर पेटल है तो एक पूरा का पूरा ओवरलैप कर रहा है एक पूरा का पूरा अंदर आ रहा है बाकी तीनों ट्विस्टेड है इतना क्या हो गया हमने उसको ऊपर नीचे बनाया डायग्राम थोड़ा उल्टा हो जाता है उससे भैया थोड़ा दिमाग लगाओ अपना दिमाग लगाओ अच्छे से देखो उनको एक पूरा बाहर है एक पूरा अंदर है बाकी के तीन ट्विस्टेड है यहां भी ऐसे एक पूरा बाहर है एक पूरा अंदर है बाकी के तीन ट्विस्टेड है ये मास्टर पवन पवन बेटा हवा गलत जगह जा रही है आपकी हैं? गलत जगह जा रही है तो बिल्कुल बेटा रट्टू वाले मत बन जाया करो कि अरे ये क्या कर दिया इसमें तो नीचे दिया हुआ था मैम आपने ऐसे ये तो बात वैसी हो गई कि मैम एनसीईआरटी में तो ए ऐसे दिया हुआ था आपने ए ऐसे कैसे बना लिया हम नहीं मानेंगे आपने ऐसे कैसे बना लिया बेटा आप उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें बिल्कुल ठीक बनाया बराबर है मैच कर लो अब। है? बराबर है। हमने और ये अंडरलैप है बात तो एक ही है ना तो प्लीज बी इंटेलिजेंट डोंट बी रट्टू पीपल ओके चलो बेटा एस्टिवेशन so जो है हमारा समाप्त हो चुका है अब हमने करने हैं फ्लार के अलग अलग भाग अब बेटा हम ले सकते हैं यहाँ पर ब्रेक ठीक है फ्लार हमारा रह गया है यानी कि फ्लार शुरू कर लिया है लेकिन जैसे सारे पार्ट्स की अगर मैं बात करूं सारे पार्ट्स की बेटा अगर बात करूं अपना केलिक्स है कोरोला है एंड्रोशियम है गाइनोशियम है ये अपने कलेंगे कल मुझे लगता है कि इसमें मैं फैमिलीज को ना एक अलग डे दे देना चाहती हूँ प्रॉबेबली फैमिलीज के लिए बेटा आई विल टेक अनदर डे ऑन मंडे मे बी बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कल बेटा अपना वैसे बेसिकली नाइंटी परसेंट पोर्शन हो जाएगा फैमिली शायद मैं आपको अलग दिन कराना चाहती हूँ फ्रेश माइंड सो आई एल सी कैसे करते हैं पूरा तो करना ही है ओके okay, एक दिन लगे दो लगे ठीक है तो सेशन अच्छा लगता है तो यार लाइक क्यों नहीं करते हो फटाफट से सेशन को लाइक करो और पांच बजे वाली क्लास मैंने पिन कर दी है कोई भी बच्चा इस पांच बजे वाली क्लास को मिस नहीं करेगा कोई भी बच्चा बेटा पांच बजे वाली क्लास को मिस नहीं करेगा कर लिया एनरोल अच्छा और बेटा हमने मैंने आपको बताया था कि मेरा ना क्रैश कोर्स चल रहा है येस आई टेल यू कि मेरा क्रैश कोर्स चल रहा है उसको पहले 15 तारीख तक हमने उसको 20 परसेंट ऑफ दिया था अब बेटा ये ऑफर एक्सटेंड हो चुका है अब आपके पास जो 20 परसेंट ऑफ है ना जो आपके पास ट्वेंटी परसेंट ऑफ है वो पंद्रह नहीं वो आपकी ट्वेंटी एथ तक है कब तक है ट्वेंटी एथ तो बेटा अब ये ऑफर इसके बाद एक्सटेंड नहीं होगा ये आखिरी समय है वेन यू कैन गेट दिस क्रैश कोर्स फॉर टू सेवन नाइन नाइन कितना है सत्ताईस सौ एक तरीके से अट्ठाइस सौ का और ये प्राइस आपको मिल जाएगा कोड क्या आपको लगाना है सीप मैम का फेवरेट कोड सीप मैम का नाम दैट इज सीप लाइफ ठीक है सीप कोड लगाएंगे और इस क्रैश कोर्स को बेटा आप फिर से पा सकते हैं लाइव क्लासेस हैं इसमें सारी आने वाली मॉक टेस्ट है डाउट है सब कुछ है एट द प्राइस ऑफ टू सेवन नाइन नाइन ये ऑफर ट्वेंटी फर्स्ट सॉरी ट्वेंटी फर्स्ट तक है मैंने ट्वेंटी लिख दिया इसको मैं ट्वेंटी फर्स्ट कर देती हूँ ट्वेंटी फर्स्ट फेब तक वन ऑफ द बेस्ट क्रैश कोर्स ऑफ द कंट्री इज हैपनिंग ऑन अकेडमी आप चाहे कोई ऑफलाइन छांट लो कोई ऑनलाइन छांट लो आपको ऐसा क्रैश कोर्स जिसमें बेस्ट टीम मिल रही है ये नहीं ये नहीं नहीं मिलेगा मिलेगा एक चीज बेटा और बतानी थी आपको एंड दैट एक चीज इज गोइंग टू बी दिखाती हूँ मैं दिखाती रहती हूँ बेटा आपको चीजें बेटा आपको टेस्ट चाहिए था मैं टेस्ट लेके आई आपको क्रैश कोर्स चाहिए था मैं क्रैश कोर्स लेके आई बेटा अब तुम्हारे करने की बारी है टीचर से तो जो तुम चाहते हो तुम्हें ऑफलाइन बुक चाहिए थी, मैं अपनी टेस्ट सब कुछ टेस्ट टेस्ट need, अगर अब भी तुम नहीं पढ़े सब कुछ मुफ्त में मिल रहा है अब भी नहीं पढ़े तो बेटा बात नहीं बनेगी बात नहीं बनेगी तो यार ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज मैंने शुरू की है फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज है घर पे बैठकर देनी है कुछ एक रुपया नहीं देना सिर्फ क्वेशंस का आंसर देना है संडे को होने वाली है दोपहर को 12 बजे इस टेस्ट सीरीज का सिलेबस क्या है एक बारी मैं लिख दूं यस yes, इस टेस्ट सीरीज का सिलेबस है फुल रिप्रोडक्शन यूनिट इसका लिंक जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी ऑन माय टेलीग्राम वैसे तो पुराना वाला ही लिंक है कुछ नया नहीं, नहीं है इसका जो सिलेबस है बेटा वो है पूरा का पूरा रिप्रोडक्शन यूनिट फुल यूनिट ठीक है चार यूनिट चार चैप्टर्स इसमें आते हैं पूरा पूरा यूनिट इसका सिलेबस है तो यार इसमें आपको एनरोल करना ही करना है दिस इज मस्ट और बेटा क्रैश कोर्स अगर लेना चाहते हो बेस्ट क्रैश कोर्स है इसके बाद अब ना समय है ना ही इस लेवल का कोई तुम्हें करवा रहा है कि पूरा सिलेबस 90 दिन में कंप्लीट अब तो 80 रह पूरा सिलेबस 80 दिन में कंप्लीट नो वन इज टेकिंग दिस चैलेंज टफ होता है यार

चलो सेशन अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और मुझे पांच बजे मिलो पीवाई क्यू मैराथन में कोई भी पीवाई क्यू मैराथन को मिस नहीं करेगा दिस इज अट मोस्ट इंपॉर्टेंट अट मोस्ट इंपॉर्टेंस वाली है ओके okay? चलो बेस्ट ऑफ लक एंड डू लीव अ कमेंट कि आज का सेशन कैसा लगा ओके okay? पवन जी को भी मेंशन कर देना आज ठीक है आज मेरी तरफ से पवन ओपी ओके okay? चलो बाय गाइस